कल रात तंदूरी चिकन मंगवाया तो आलू मटर पैक करके भेजा। वो नया बच्चा था, गलती हो गई होगी, माफ कर दीजिए। कल फोड़ दूंगा। बढ़िया चिकन तैयार है, लेकर आऊंगा। क्या जल्दी ला। चाय तो दे दी, बिस्किट कहाँ है? थोड़ी देर रुको भाई, देखा नहीं कौन आया। भाई आप वाली ब्रांड नहीं है। ओए कोई भी स्ट्रांग लेके आना। ओए ऑन है इसलिए बजाता रहेगा, और काट दूंगा, बंद कर बे। हर रोज रास्ता में गाड़ी रोककर लोगों को परेशान करता है, और कोनो पूछ दिया तो मारपीट पर उतारू हो जाता है। पता नहीं कब खत्म होगा ये सब। पानी डाल। अब शुरू कर दिया, फिर तो गए 2 घंटे के लिए। सबर कर ले बेटा। भैया जाके देखो ना क्या हुआ है। बदमाश लोग मारना शुरू कर दिया। तड़प रही है, बात कर लीजिए। कुछ करो ना। अब मैं ठीक, मैं जाके पूछती हूँ। एक्सक्यूज मी, वहाँ ऑटो में कोई डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल जा रही है, आपकी वजह से ट्रैफिक जाम हो गया है, गाड़ी हटाइए ना प्लीज। अच्छा, मैंने कहा कि उसे बच्चा पैदा करो, मेरा मन करेगा तभी मैं यहाँ से जाऊँगा, तो चलते बन। हेलो, वहाँ एक औरत दर्द से तड़प रही है, और आप इस तरह बात कर रहे हैं? ज्यादा बकबक की तो तुझे भी डिलीवरी के लिए भेज दूंगा, चल फोट। और क्या रही है, फोट ना। हे भगवान, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, जरा सबर कर ले बेटी, सबर कर ले बस। वो लोग सुन ही रहे हैं, सब बदमाश है। हे भगवान, मेरी बेटी का क्या होगा। सलाम भाई। ठीक है ठीक है, आप ठीक तो है ना? पहाड़ की चोटी तक आपका नाम है, आपकी कृपा से पूरे शिमला में ठंड है। घर पहुंचते ही भाभी से बोल के नजर उतरवा लीजिए, चलता हूँ। बहुत दरक देना। ठीक है भाई। फॉलो मी। ओए हमारा भाग लेके जाना, पकड़ो भाले को। गाड़ी रिवर्स कर। सबर करो बेटी, सबर करो। ऑटो वाले, ओके ओके। सुनो, सीधे जाओ तो मेन रोड पे हॉस्पिटल है। हाँ। चलो निकलो। ओके सर। भगवान तेरा भला करेगा बेटा। क्या भाभी से बोल के आपकी नजर उतरवाने के लिए कहा तो आप मुझ पर नजर रखे हुए हैं? ओ, बैग चाहिए। अगर मैंने इसे नहीं लिया होता तो ट्रैफिक क्लियर करके मां बनने वाली औरत को हॉस्पिटल थोड़ी पहुंचा सकता था। नहीं ना, इसलिए ऐसा किया। ए चमचे, भाई की लुगाई की ऐसी हालत हो जाती तो तुम लोग क्या करते? फाड़ के रख देंगे। हाँ, यही तो मैं करने वाला हूं ना।
इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच से भी ज्यादा यहाँ पे क्राउड है। आजकल लोगों को दूसरे स्पोर्ट्स में भी लगाव हो गया है। लगाव भी नहीं, कोई भगाव भी नहीं, इनका तो बस यही काम है। वॉलीबॉल हो तो साइड से देखते हैं, टेनिस हो तो लेट के देखते हैं, ऐसी वैसी भी जब आंख फाड़ के देखते हैं तो शालिनी को कैसे देखते होंगे। अबे ओए, वहाँ नेट पे बॉल ही नहीं गया, ये कैसा बिल्डअप है? अरे उन्हें छोड़ना यार, वहाँ लड़कियों को देखो, बॉल को कैसे उछल उछल के ले जा रही, वो भी एक दूसरे को पास करके आखिर में नेट में ले जाके डालती है। अबे ओए, यही तो लड़कियों की साइकोलॉजी तुम्हें पकड़नी है। बॉल डालने में कैसी साइकोलॉजी यार? अरे जिस तरह बॉल को इधर उधर घुमा के फिर नेट में डालते हैं, उसी तरह प्यार करने वाले लड़कों को आगे पीछे घुमा के आखिर में गटर में फेंक कर चलते बनती है। ऐसे सोचता है यार, ये तो अपने आप आता है यार।
कल रात को 11 बजे होंगे। शालिनी ने मुझे फोन करके दिलबर दिल से प्यारे दिल की सुनता जा रे मेरी जवानी तेरे लिए है कहकर परेशान कर दिया। वो तुझे मेरे सामने क्यों परेशान नहीं करती? यही तो तुम लड़कियों की टेक्निक नहीं समझ रहे हो। क्या टेक्निक है? दिन भर वो हमारे साथ रहेगी लेकिन न देखेगी न बात करेगी, पर रात होते ही उसको आ जाता है लव। ऐसा लव के बगल में सोने वाले बाप की परवाह किए बिना चादर ओढ़ के फोन करेगी। उस पे भी होशियारी देखो, मिस कॉल मारती है। बेवकूफों की तरह हम कॉल बैक करते हैं, नतीजा ये कि बिल के साथ हमें बम। ए, आज चाहे कुछ भी हो जाए, गेम खत्म होते ही शालिनी के सामने अपना दिल खोल कर रख दूंगा। शालिनी एक मिनट। अबे चुप, तुझसे पहले कोई एप्लीकेशन दे रहा है वो देख। अबे कौन है वो कबाब में हड्डी? वाओ, सिंपली सुपर्ब। समझ में नहीं आता कि मैं तुमसे क्या कहूँ। कुछ भी कह सकती हो। अच्छा है, लेकिन इसमें जो कुछ भी लिखा है मैं कबूल नहीं कर सकती। हा? मेरे बारे में तुम्हें क्या पता है? हम एक दूसरे से यही कोई 2-3 बार मिले होंगे ना। पहली बार स्मृति ने इंट्रोड्यूस किया, दूसरी बार सिग्नल पे मिले, फिर एक बार कॉरिडोर में, दैट्स इट। इतने में ये तो क्या है? शालिनी लुक अविनाश, जहां तक मेरा सवाल है, एक दूसरे को अच्छी तरह समझ के उनके प्लस क्या है, माइनस क्या है, गुड क्या है, बैड क्या है, ये सब जान के जो प्यार होता है वही लॉन्ग स्टैंडिंग प्यार है, समझ गए? इस तरह देखते ही जो होता है उसे फेटल अट्रैक्शन कहते हैं। अभी देख लिया पागल कहीं का, मैं भी अगर जोश में आकर शालिनी को दिल की बात कह देता तो मेरे साथ भी यही होता। करे एक साल नहीं भले 10 साल लग जाए, उसे अच्छी तरह जानूंगा पहचानूंगा उसके बाद ही प्यार का इजहार करूंगा। अच्छा हुआ थप्पड़ खाने से बच गया। तू गया काम से, तू उसे जान के समझ के अपने प्यार का इजहार करे, उससे पहले कोई बार वाला उठा ले जाएगा। रुक जा, ये तूने क्या किया? जंप किया। बैठे हुए आदमी को देखे बिना जंप करता है तू? सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया। क्या वॉचमैन? तुझे मैं वॉचमैन दिखता हूँ? वॉचमैन नहीं, मालिक बावर्ची। ओ ओ, इस कॉलेज का स्टूडेंट हूँ मैं, इस तरह क्या देख रहा है? क्या है? स्टूडेंट हो? क्यों? अच्छा क्या कि बोल दिया, मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। समझेगा क्यों नहीं समझेगा? अच्छा तेरा नाम क्या है? सचिन। बैठ के एक छक्का मार रहा है। तुम्हारा नाम? मैक। मुझे असली नाम बताओ। मक्खनलाल। मक्खनलाल उसने तुझसे पूछा क्या? पूछा क्या? खैर छोड़ो, अब पता चल गया ना मक्खनलाल, जाने दो यार। अच्छा ये बताओ, अकेले तुम इस कॉलेज में बढ़िया ड्रेस पहन के मौज कर रहे हो? नौजवान ऐसे ही होते हैं। सुना नहीं यूथ ऐसे ही होते हैं? जनाब यूथ हैं। दुनिया को सुना रहा है? ये बताओ क्या ये सुनने में आया, इस कॉलेज में पिछले 9 साल से एक ही क्लास में कोई पढ़ रहा है, वो लड़का तुम ही हो ना? हाँ ये वही है। उसकी वजह है बाबू, साल भर पढ़ाने वाले गुरुजनों को भूलकर पास होकर जाने वाले तुम्हारे जैसा एहसान फरामोश नहीं हूँ मैं। उन गुरुजनों की आखिरी दम तक सेवा करने के लिए ही मैं पिछले 9 साल से एक ही क्लास में पढ़ रहा हूँ। सिर्फ माँ बाप की सेवा करना ही काफी नहीं है बच्चों, ज्ञान देने वाले गुरु की भी सेवा करनी चाहिए। इस जमाने में ऐसी सेवा करने वाला ये मैं किए समझा कर? इसको फेल होना भी कह सकते हैं। इधर देख, ये ताने लेके बात करना, उछल उछल कर कूदना यहाँ नहीं चलेगा। चुपचाप क्लास जाओ, पढ़ो, पास होके पार हो जाओ, यही मुझे से सीनियर्स की शान है। ठीक है मैं चलता हूँ। इधर तुम लोग उधर जाओ। मुझे देख के कुछ और ही समझ रहा था, बोला ना वो क्या है? नहीं जाने दो यार। अरे बोल ना। सुन के घिन आएगी। घिन आएगी तो कान में बोलना, नहीं बोला तो मेरा सर फट जाएगा, बोलना। तुमको मैं मामा समझ रहा था, यानी तल्ला। चलता हूँ मामा। तुम लोग अभी तक नहीं रहे? वाकई घिन आने वाली बात है। तुम्हारा नाम क्या है? प्रीति। हाँ? प्रीति। हाँ? प्रीति। हाँ? प्रीति। ओके, मेरा नाम जानती हो? बॉल। बॉल नहीं, मेरा नाम सचिन। हाँ? फ्रेंड्स? तुम्हारा स्माइल बहुत क्यूट है।
थैंक यू स्वीटा, ये लो। बाय सचिन। बाय। रोड ब्लॉक है, आप उधर से जाइए। आ जाइए, चलिए। ओके सर, आओ आओ आओ, जल्दी इस तरफ जाओ, इस तरफ जाओ, यहाँ से जाओ। तुम क्या काम कर रहे हो भाई? इस तरफ से जाओ, जल्दी जाओ ना, जाओ। अरे भैया क्या हो रहा है भाई? जाने दो ना, ये क्या हो रहा है भाई? यहाँ करो ब्लॉक है, उस तरफ से जाओ। अरे मैं क्या कर सकता हूँ, उस तरह से जाओ। अरे ऐसे क्यों बोलते हो? हमारे जिंदगी का आने वाले हैं। अरे जान मत खाओ, मारिया से तुम्हारी शिकायत करूंगा। जाओ। सुबह से पुलिस की तरह से फ्री टूर है। सारे डायवर्शन तुमसे मिलने के लिए। देखा कौन आ रहा है? सचिन। रोको उसे, रोको रोको। रुक जाना। क्यों सच्चू? साइकिल पे सपना संभाल के, टैंकर और लारियां बहुत चलती है सड़क पे। एक लड़की को देखा मैं, जानता हूँ। उसके बाद उसके चेहरे पे खूबसूरत सी दो अखियां देखी। लड़की है तो अखियां होती हैं, अंधी थोड़ी होती है। सो सोना सो क्यों? ये वहाँ देख के यहाँ हॉर्न बजा रहा है। तो तुझे देख के मुझे हंसी आ रही सच्चू। तो फिर हंसे क्यों नहीं? बात सुन, ये फूल वाली फल वाली को देख कर मत फड़फड़ा। कल सुबह कॉलेज आ जा, शालिनी नाम की एक पेंटिंग दिखाता हूँ, उसके बाद तेरा क्या हाल होता है देखना। अबे मस्के, खूबसूरत सी एक लड़की को देख के उसी नशे में जा रहा हूँ, इस बीच में कामिनी दामिनी बोल के क्यों भेजा चाट रहा है मक्खन क्या औलाद? ये बात नहीं है सच्चू। अबे जाना। ए, ये भो के बाद कुछ अधूरा छोड़ के चला गया। मैं समझ गया, मैं समझ गया, मैं समझ गया, मैं समझ गया। अरे बोल ना, बोल। अबे ये ट्रैफिक क्लियर कर। ये क्या? अरे बाप रे, ए फूलवती, आज तू फूल रही है, क्या बात है? थैंक यू। घर में बहन नहीं है क्या? वो लोग भाभी लाने को कह रहे हैं। तेरी माँ भी तो औरत है। कह रही है बहू लेके आ जा। ए, इनके घर का एड्रेस ले लेना, एक दिन ले जाके दिखाएंगे। इन सबके घर कहाँ है? अच्छा तो यही भटकती है, तो फिर क्या टेंशन लेती है? एक दिन सबको यही पर ले आऊंगा। क्यों बे, हमारी लाज शर्म नहीं ना? बेच खाए हो ना? यो सच्चो, आज भी उस दिन की तरह सपना देखते हुए दौड़ रहा है। सड़क पे फिरने वाली को देख के फिदा हो गया है। मेरी शालिनी को देखेगा तो पागल नहीं हो जाएगा तू? अरे भाई मेरे, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरा पीछा छोड़ दे। ये शालिनी कामिनी दामिनी वगैरह मुझे हरगिज नहीं चाहिए। ए, बोल रहा तो नहीं चाहिए कह रहा है, हम तुझे ऐसे ही छोड़ देंगे क्या? आज तू उसे देखेगा पागल बनेगा। सच्चू
चक्करा गए? मैंने कहा था ना कॉलेज ब्यूटी शालिनी। बहुत खूबसूरत है ना, शिमला एप्पल की तरह। शालिनी? हाँ। कॉलेज ब्यूटी? या जिसके पीछे इस कॉलेज के पूरे लड़के दीवाने हैं। यस यस, ड्रीम गर्ल शालिनी। अरे यार मेरी बात का बुरा मत मानना। क्यों बुरा मानूंगा? इसके पास ऐसा है क्या जिसको लेकर तू इतना बिल्डअप दे रहा था? है क्या पूछ रहा है चंबक? क्या नहीं है? तुम्हारी मक्खनगिरी सुनके मैं खामखा बहुत कुछ उम्मीद कर बैठा। हाँ, मुस्कुराने से आंखें जरा खूबसूरत लगती हैं, मानता हूँ। उसके अलावा मुझे इसमें कुछ खास नजर नहीं आ रहा। ओके, ये होंठ दोनों गुलाब की कली की तरह क्यूट एंड स्वीट है, जरूर मानना ही पड़ेगा। मेरा बस चले तो मैं दिन भर इन्हें देखता ही रहता। उसके लिए पूरा कॉलेज ही इसके पीछे पड़ा है। वो कौन सी ब्यूटी? कॉलेज ब्यूटी, ड्रीम गर्ल, ये सब तुमने कुछ जरूरत से ज्यादा बिल्डअप किया है। चुप हो जा मक्खनलाल, यही फर्स्ट एंड लास्ट टाइम हो, वरना बत्ती से निकाल दूंगा। मैं इसको देखे क्या यार? नाराज ना होना डार्लिंग, नाराज ना होना, बुरा मत माना, मजा कर रहा था वो। माय गॉड, तुझे ये छोड़ना नहीं चाहिए। मेरे बारे में क्या जानता है तू? हाँ, यू थिंक यू स्मार्ट, यू थिंक यू वेरी स्मार्ट इज इट? मुझे तो ठीक से नहीं पहचानता। मैं मेरे गुस्से के बारे में तो कुछ नहीं जानता। तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। आई हेट यू स्माइल, आई हेट यू, आई हेट एवरीथिंग अबाउट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। तुझे मैं अच्छा सबक सिखाऊंगी, देखते रहो। कहता है मैं खूबसूरत नहीं हूँ, ये देख क्या कमी है मुझ में, हमेशा मुस्कुराता रहता है। क्या बोला, क्या बोला? हाँ, मैं एक एवरेज लड़की हूँ, प्लीज गिव मी अ ब्रेक मैन। मेरी डिंपल सिर्फ एक बार देखने लायक है, बोला ना? मैंने तुझसे पूछा था। I can't believe this. मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे ना। क्यों डैड, मैं कब से चिल्ला रही हूँ, आप कुछ नहीं बोलेंगे? हाँ शर्मिला जी, काफी बहुत बढ़िया है। क्यों रे मंगू, क्या है? सुबह तो दूर से आ रहा था, सही दिख रहा था, नजदीक आते 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 एकदम गायब हो गए, ऐसा क्यों? घिस गई क्या आंखें? आंखें भी घिस जाती है? अब इसके लिए क्या करना है? मछली खाओ भैया। मछली खाओ तो आंखों की भलाई, ना खाऊं तो मछली की भलाई। तू आ गया? हाँ बड़े भैया। बड़ा भैया कहता है, मैं भी कई दिनों से तुझे वाच कर रहा हूँ, बड़ा भैया बड़ा भैया कहकर ही मेरा 12 बजा रहा है। अरे नहीं, ये बता मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? वो लड़की कभी कभार मेरी तरफ देख लेती है, वही बड़ी बात है। तूने कबाब में हड्डी की तरह आके सब कुछ कबाड़ा कर दिया, उस पे तेरे को क्या खुशी मिलती है? भैया वो तो सिर्फ मेरा मजाक था। ये मजाक है? ये भी कोई मजाक है? तेरी मजाक ने दो लव बर्ड्स का दिल तोड़ दिया। लव बर्ड्स? अपने आप को बर्ड समझते हो और क्या? देख आईंदा मुझसे बात मत करना, आज से हम दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं। गुस्सा मत करो यार, गुस्से नहीं गुस्सा मत करो, कहो तो मैं तुमसे माफी मांग लेता हूं। माफी मुझसे मांगने से कोई फायदा नहीं, तुम्हारी तरफ से उस लड़की से माफी मांग लेता हूं। यकीन करो? करो, ये उसी दिन कर सकता था ना। जाओ मेरे सामने माफी मांग जाओ। ठीक है भैया। एक मिनट जरा, माफी मांगने के समय जैसा मैं बताऊं वैसी दो चार बातें जोड़ देना। क्या क्या है भैया? साहब रात भर नहीं सोए, साहब ने सुबह उठ के ब्रश नहीं किया, साहब सुबह बाथरूम नहीं गए, साहब 24 घंटे तुम्हीं को याद करते रहते हैं, ऐसा जाके बोलो। ये क्या भैया, मेरी इतनी सी गलती के लिए आप मुझे बार बार साहब साहब बुला के इतनी इज्जत दे रहे हैं? आपने मेरे दिल को छू लिया। मैंने साहब किसके लिए बोला? ये अपने आप को साहब बोल रहे थे। सुना, अब जा, रुक जा रुक जा, इधर आ। मैंने जो बात बताई उसमें तुम अपनी तरफ से 7-8 मैटर जोड़ के बता देना। तुम जो भी मैटर बोलोगे उससे वो जिंदगी भर फेविकॉल की तरह चिपकनी चाहिए। क्या? ठीक है, अब देखो, अब देखो, अब देखो मैं क्या करता हूँ। क्यों रे मुंगेरी, ये इस तरह क्यों झुक के जा रहा है? तुमको इज्जत दे रहा है? बहुत पटक रहा है। जाने तो तूने देख ली, बहुत भीड़ है। भीड़ से तुझे क्या लेना देना है, तू अपना काम कर। ओके ऐसा। गाने सब अच्छे हैं ना? एक्सक्यूज मी, एक मिनट आपसे बात करनी है। नो एक ही, एक वन मिनट बस। क्या बात है?
अच्छा ये बताओ, ये ड्रेस सिंगिस किंग में कटरीना कैफ पहनी थी वही है ना? वेरी नाइस, थैंक्स, वेरी क्यूट, थैंक यू, वेरी वेरी ब्यूटीफुल, थैंक यू। मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, उन पर ये ड्रेस कितनी अच्छी तरह जच रही थी, मुफ्त में मिलता है इसलिए चीज बर्गर और चीज पिज्जा खा खा के 5.5 फुट की ड्रम जैसी के लिए इस ड्रेस की क्या जरूरत है, ये लालजी पूछ रहे हैं, मक्खन लाल जी। जम गया बच्चा, होशियार है, तेरा जो ये थे, जाओ जो जाओ जो जाओ जो जाओ जो जाओ जो जाओ जो जाओ जो। वगैरह आज मामला सरता दूंगा, अब देख। बोल दिया उसने, सब कुछ बोल दिया। ए शादी डालिंग, अभी से पैर क्यों छूती हो, सब शादी के बाद रख सकते हैं डालिंग। कॉलेज है इसलिए छोड़ रही हूँ, वरना गाल पे निशान पड़ जाते। गाल पे सैंडल का निशान? बड़े भैया, ए सिर्फ 2 ही मिनट तूने बात की है, सैंडल तक लाके छोड़ दिया। तुम्हीने तो कहा था कि अपनी तरह से 7-8 मैटर बढ़ा के कहना, मैंने तो एकदम छड़ा दिया, बात फेविकॉल की तरह छिपक गई ना भैया, इसी तरह रोज आके मैटर के ऊपर मैटर छड़ा दूंगा। चलता हूँ मक्खन लाल। डेली आके मैटर बोलेगा, आज के मैटर में सैंडल हाथ में आ गई, ये तो मेरा मर्डर करवा देगा। ए, लड़की के हाथों मेरा कत्ल करवाने की साजिश चल रही है, कल से तू हमेशा मेरे साथ रहना। मैं फालतू नहीं हूँ। क्या मैं फालतू हूँ? कहाँ है रे वो? क्या खाए? मैं बस सैंडविच। खाना खा के 2 दिन हो गया मुझे। 50 रुपए काफी है? तो मैं बड़ा भूख लेता हूँ। अरे मैं भीख नहीं मांग रहा हूँ, वो सैंडल दिखाने की वजह से 2 दिन से खाना नहीं खाया, उसे मैंने तुमसे माफी मांगने के लिए भेजा था, बदले में तुमने मेरा कचरा कर दिया। ये बात है? हाँ यही बात है। इट्स ओके, मैंने भी बेवजह जल्दबाजी की। कोई बात नहीं सालू डालेंगे, इट्स ओके, लेकिन आज तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, मैं अपने हाथों से एक चिकन सैंडविच लाऊंगा, तुम्हें पचक 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 खाना होगा। नहीं चाहिए। खाना ही होगा। नो, खाना ही पड़ेगा, खाना ही पड़ेगा, खाना ही पड़ेगा। भी बोलना था ना, 3 गिलास बढ़िया सा जूस दे देना। जूस से शुरू करते हैं, है? बहुत मजा आएगा। वेट वेट। हाँ? ये यहाँ कैसे आ टपका? पता नहीं ना। चुपके चुपके। ये फिगर पहले भी मैंने देखा है, ये कहीं अपना मक्खन लाल तो नहीं? वही तो है। अरे अपने मक्खन लाल जी, तू यहाँ कैसे? मेरी बात रहने दो, तुम यहाँ कब से काम करने लगे? काम कर रहा हूँ, फ्रेंड्स से। वो क्या रहे? डेटिंग। हाँ वो। हाँ तो अपनी मर्जी से अंदाजा मत लगाया करो। फ्रेंड्स? अरे अपने शालू रानी। रानी? अब ये तेरी रानी कैसे बन गई? नमस्कार नमस्कार नमस्कार, लगता है कॉलेज से भी ज्यादा टाइम यहाँ बिताती हो। Who are you man? What do you want? ये हुई है बात मेरे दिल की रानी। Who are you? Me? अरे मुझे एक बार देखने के बाद आप मुझे कभी बुला सकती हैं? क्या ये संभव मुमकिन है? कहीं आपको अमनीशा तो नहीं? यहाँ लड़कियाँ बैठी हैं, तुम भी वहीं आके बैठ जाओगे। Get up. आप? Any problem शालिनी? अरे बाबा। Problem तू सुलझाएगा? उसने पूछा। कौन है बाबा? मैं किसलिए हूँ यहाँ पे? चुप रह। शालिनी, सचिन। शराफत से जाते हुए किसी को बुलाऊं? शालिनी। Shut up. आज तेरी दाल नहीं गलेगी। ये मक्खन मक्खन नहीं पत्थर है। ऐसे लफंगों के साथ ऐसा ही करना चाहिए। कैसा रोब जमा रहा था, वो भी मेरी मौजूदगी में। करेक्ट बोला ना? हैप्पी? वो कैसे 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 कैसे? माँ बदौलत, माँ बदौलत को ना पहचाने का नाटक करोगी तो मैं बेइज्जत हो जाऊंगा। इतने में ये जनाब पूछते हैं, शालिनी एनी प्रॉब्लम? गैप ढूंढता रहता है घुसने के लिए। मेरे सामने तुम चाहे जितने भी चीखो चिल्लाओ, मुझ पर कोई असर बिल्कुल नहीं पड़ेगा। लेकिन एक बात कहो शालिनी, इन 2 दिनों में डांटते हुए भी तुमने मेरे बारे में बात तो की होगी ना? तो इसी के बारे में बोल रही थी। दीदी, तुमने ठीक पहचाना दीदी, पहली मुलाकात में ये खूबसूरत नहीं है बोलने वाला, वो कैटरीना कैफ, सब माँ बदौलत ही हूँ। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, मक्खन लाल ने जो कहा है वो पते की बात। अरे ये कैसी लड़कियां हैं, मुफ्त में कुछ भी मिले तो फौरन उठा के चखने लगेंगी कहकर इसने बात पूरी भी नहीं की, इतने में तुमने उठा के चख लिया। मक्खन लाल जी आज के लिए मैटर काफी है ना? हेलो, तुम्हें क्या चाहिए? फिलहाल कुछ नहीं चाहिए, कुछ चाहिए होगा तो खबर कर दूंगा। क्या इरादा है तुम्हारा, हमेशा मुझे ही घूरते रहते हो?
सड़क पर चलती होते देखते हो, किताब पढ़ती होते देखते हो, डांस करते हो तो भी देखते हो, ये सब क्या है? बारिश में देखता हूँ, सीढ़ियों के पास देखता हूँ, तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है? मुझे अच्छा लगता है, मैं देखता हूँ। What? अरे you... इन सबको देखता हूँ तो दिल को अच्छा लगता है, तभी देखता हूँ। खूबसूरत चीजों को देखने में कोई हर्ज नहीं। अब एक क्लाउड पैटर्न खूबसूरत है तो देखता हूँ, गुलाब पे शबनम रही तो देखता हूँ, ऐसे बकबक करती रहती हो तो अच्छा लगता है। याद है उस दिन नाक पे आइसक्रीम लगा के ऐसा कुछ कर रही थी, तब क्यूट लग रही थी। उस दिन सीढ़ियों से उतरते समय झटके से स्लिप होते किसी ने देखा तो नहीं सोचकर दोनों तरफ देख रही थी ना, तभी तुम बहुत क्यूट लग रही थी। ये तुम्हारी बिखरी हुई जुल्फें खूबसूरत हैं, ये तुम्हारी मुस्कुराती हुई आंखें खूबसूरत हैं, ठंड से थरथराते ये दांत खूबसूरत हैं। बहुत मुश्किल से छुपा रही हो ना अपनी छोटी सी नाभि, वो भी खूबसूरत है। लड़कों को ये सभी तो अच्छा लगता है, नाभि के दोनों तरफ ये कमर। अरे सिर्फ कमर तक ही जाऊंगा, मैं उससे आगे नहीं बढ़ूंगा, बस यूं ही कह रहा हूँ। ये पल भर के लिए भी रुके बिना नाचने वाले ये पांव, देखते रहने को मन करेगा ना? आई फील हैप्पी, मैं देखूंगा और देखता ही रहूंगा। क्या मैंने तुम्हारे पास आके कोई छेड़छाड़ की या सीटी बजाई या कोई इशारा किया? मैं तो किनारे पे खड़ा होकर नजारों का लुफ्त उठा रहा हूँ, तुम कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकती। अगर ये सब तुम्हें पसंद नहीं तो घर के अंदर ही कैद रहना, कोई तुम्हें नहीं देखेगा। अब भी मुझे कैसे डांटू सोच के फड़फड़ा रही हो ना? स्वीट क्यूट, ये है शालिनी। गाली क्यों दे रही है? तुझे नहीं, उसकी ये मजाल, मना करने पर भी कहता देखता ही रहूंगा। कौन? और चेहरे पे जब देखो मुस्कान, आप कभी उसे मेरे सामने आने तो दो। आ गया। हाय हाय सिस्टर। नो मदर। ओ माँ, मुझे आशीर्वाद दो। ये तुम क्या कर रहे हो? खुश रहो। बड़ों से मिलते ही उनके पैर छूके आशीर्वाद लेने को मेरे पिताजी ने कहा है। ऊपर से आपको देखता हूँ तो माता मल्लिका शेरावत, क्या माता वैष्णो देवी की मुझे याद आती है। और एक बात है, आपके मुकाबले वहाँ थोड़ी कमी ही लगती है खूबसूरती के मामले में। बेटे, मुझे घर पर बुला रही हैं, इतना ही ना? आप इस कदर जबरदस्ती कर रही हैं तो मैं जरूर आऊंगा, लेकिन उस वक्त अंकल भी होने चाहिए। मिलता हूँ माता श्री। खुश रहो, ऐसे अच्छे लड़कों से भी तुमने दोस्ती की है लेकिन इनके बारे में तो कभी बात नहीं करती। ओ माँ, मैं अभी तक इसी के बारे में बोल रही थी। इस पटाखे को कैसे पटाएं? ये तो घूर रही है। चलनी, क्या चाहिए तुझे? क्या करने जा रही हो? मुझे घूरता है? जा, जाके अपनी माँ को देख। अरे बस, अपनी बहन को जाके देख। देखा? बेचारा अंधा है। गिर गई। कहाँ? अरे, प्लीज हेल्प मी। कौन है जी? I'm sorry. आप मुझसे बोल रही हैं? मतलब अभी तक आप मुझे ही डांट रही थी? I'm really sorry. खैर छोड़िए, ये कौन सी नई बात है, रोज ऐसा ही होता है। उस ऊपर वाले ने हाथ दिए, पांव दिए, शक्ल दी, अकल दी, नजर देने में थोड़ी सी चूक कर गए। चलिए मैं आपको ले चलती हूं। अरे छोड़िए, खाम का आप तकलीफ क्यों उठा रही है? ठंड में गर्मी चल रही है। आइए आप मुझे ले जाके। मैं आपको ऑटो में बिठा दूंगी। नहीं, पार्किंग एरिया में छोड़ दीजिए। मेरे पिताजी भी अक्सर कहते हैं कि गुस्से पर काबू करो। आप उनकी बात मत मानिए। माँ भी कहती है कि योगा किया करो। उनकी भी बात मत मानिए, उनसे कहिए खुद योगा करें। तीसरी गाड़ी में चाबी डालिए ना। ओके। आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं जी। बाप रे, देखा तो उसका बिगड़ गई, अंधा बना इसलिए जान बच गई। अच्छा, ये आइडिया मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? इसमें बहुत फायदा है। क्या इंतजार कर रहे थे कब संडे आएगा और क्रिकेट खेलने निकले? इस तरफ बाल आई तो पता नहीं मैं क्या करूंगा। गुस्सा मत करो, ग्राहक तो नहीं आए, गेंद को तो आने दो। वो अविनाश हर रोज मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, वो तो एक नंबर का लोफर है। सचिन, हाउस दैट? ए शालिनी, मेरी बात मान, तू कुछ बोलेगी वो भी जवाब में कुछ उल्टा सीधा बोलेगा, रहने दे, चल मेरे साथ। उसे ऐसे ही छूना नहीं चाहिए था स्मृति। हे, मेरा बैग, मूव। अरे शालिनी, माय बैग। अच्छा, तो यही है शालिनी।
इसके पास है क्या जो तूने इसको लव लेटर दे दिया? ये क्या अविनाश, अपने भाई को साथ में लाके गलाटा कर रहे हो? क्यों, मेरा भाई काफी नहीं है तेरे लिए? बोल, और भी मोटा तगड़ा आदमी चाहिए तुझे, बोल ना। ए, संभाल के खेलना। सॉरी सॉरी सॉरी। इनमें से तुझे कौन चाहिए बोल, एक एक को भेजू या सबको एक साथ भेजू? अरे बोल ना। अविनाश, इसे कहो कि शराफत से बात करे। नहीं करूंगा तो क्या कर लेगी? शट अप, ये पब्लिक प्लेस है। क्या? अगर मुझे छू भी लिया तो सैकड़ों लोग आएंगे। सैकड़ों को छोड़ो, एक भी आता क्या देखते हैं। ये छू लिया, ले छू लिया, चिल्ला, अरे चिल्ला ना। अब मैं क्यों भैया, बल्ला बीच में आ गया क्यों भैया? देखने में बदमाश छिछी इज्जतदार लग रहे हो। संडे के दिन आके कोने में बैठ के दो चार बियर मार के टंगड़ी कबाब खा के खुशी खुशी जाना छोड़ के खेलने वाले हम बच्चों को और आने जाने वाले लोगों को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। अगर मैं आपको डिस्टर्ब करूं तो क्या करेगा तू? मारेगा? मार, चाहे प्यार हो या घूसे लात, जो मुझे देता है उसका 100 गुना लौटाने की आदत। बोलने दो भैया, एक ही तो पंच डायलॉग है। ओफ 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 ओफ। 12 बजने से पहले मैं किसी को मारता नहीं हूँ ना। 12 बजने में अभी 2 मिनट बाकी हैं। उससे पहले हो सके तो मुझे मारो। उससे पहले नहीं मारा तो? नहीं मारा तो टंग टंग करके 12 घंटे बजने तक तुम में से यहाँ कोई भी नहीं रहेगा। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, मारो सारे। जल्दबाजी, हर काम में जल्दबाजी। हे, बाहर निकल। देखो भैया बुला रहे हैं। Thank you.
एक नहीं दो लड़कियां हैं, अब क्या करेगा? वन बॉल टू विकेट। कैसी दुनिया है, कल परसों मर जाने वाली बुढ़ियों से लेके 50 साल के आंटियां तक मेरी गाड़ी को पसंद करती हैं, मुझे लव करती हैं, लेकिन ये शालिनी है कि मुझे बिल्कुल घास ही नहीं डालती है, घोंचे समझती है मुझे। अरे सुनो, जिस लड़की को हम चाहते हैं उसे नहीं, जो लड़की हमें चाहती है उसी से शादी करने से जिंदगी सफल होती है। लात मारूंगा, बकरे जैसी दाढ़ी वाली शक्ल रख के मुझ पे फिलॉसफी झाड़ता है। अबे सुन, हर कोई शुरू शुरू में प्रियंका चोपड़ा मल्लिका शेरावत जैसी लड़कियों से प्यार करता है, जब कोई भाव नहीं देती है और मुंह पे थूकती तक नहीं तो चोट खाकर जो भी सड़ी गली लौंडियां मिलती है उसे सीने से लगा लेता है। ये डायलॉग उन्हीं लड़कों का है, ये मुझे मत सुनाना। ए, कोई भी लड़की पर्सनालिटी नहीं देखती, दिल देख के प्यार करती है। आहा, ओए, सुनो लड़कियों, कह रहा है कि तुम सब दिल को देखकर प्यार करती हो। ए, जेब में नगद और जुबान में शहद नहीं रखोगे तो लड़कियां तेरे तरफ मुड़कर भी नहीं देखेगी। ए, चाहे तो कोई भी तिकड़मबाजी कर ले, शालिनी तेरे जाल में नहीं फंसेगी। अबे सुन, शालिनी को पटाने के लिए भी मेरे पास टेक्निक है। वो क्या टेक्निक है? सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस यानी कुर्बानी। सैक्रिफाइस कुर्बानी मैं जानता हूँ, कैसी कुर्बानी? मान ले किसी लड़की का किसी लड़के पे दिल आ गया तो हजारों ड्रामे करेंगी। ऐसे ऐसे ड्रामे करेंगी कि पूछो मत। पहाड़ से कूदेंगी, जहर पी लेंगी, नाक काट लेंगी, हाथ काट लेंगी, ताकि वो लड़का जाल में फंस जाए। उसी के लिए प्यार करती है ना। ठीक है, अरे वो देखना, वे भाग गया, साला कुत्ता बन गया। शालिनी, कभी कभी यदि जिंदगी में यूं ही कोई अपना लगता है। अरे 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 अरे, क्या हुआ? नहीं शालिनी, कल मेरे घर पे पैसा या प्यार ऐसा एक सवाल उठ गया। मेरे बाप कहने लगा कि उसके पार्टनर के बेटी शादी करने के तो नीचे के दार्जिलिंग को मेरे नाम कर देगा, मैंने मना कर दिया। फिर कहने लगा कि ऊपर का सिलीगुड़ी भी मेरे नाम कर देगा, तब भी मैंने मना किया, क्योंकि मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ शालिनी। वेरी गुड, थैंक्स। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे बाप के पैसे, बंगले, गाड़ियाँ, मेरी माँ के तमाम जेवरात सबको ठोकर मार के आ गया हूँ। हकीकत में अब मेरे पास दो ही चीजें बची हैं, एक तुम्हारा प्यार और दूसरा मेरे ये मेले कपड़े। वेरी गुड, बहुत दिनों से शक था, अब यकीन हुआ। वो क्या शालिनी? यही कि तुम उल्लू हो। उल्लू हूँ मैं? सब कुछ खो देने के बाद मेरी देखभाल कैसे करोगे? हाँ, नौकरी पर भेजोगे? नो टेंशन। ये क्या शालिनी, तुम्हें मैं नौकरी पे भेजूं? मैं कोई निकम्मा हूँ क्या? मेरे पास है ना दो किडनी, एक किडनी बेचूंगा 50,000 रुपए मिल जाएंगे, वो काफी है ना अपना घर बसाने के लिए? काफी नहीं है, ऐसे बेवकूफों की तरह बात करोगे तो कौन तुमसे प्यार करेगी? उल्लू का पट्टा। What is this? प्यार की बात घर पे करूँ तो बाप उल्लू का पट्टा बोलता है, प्यार करने वाले से करूँ तो वो भी उल्लू का पट्टा बोलती है, तो क्या प्यार करने वाले सभी उल्लू के पट्टे हैं? मौजा ही मौजा, ला 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 ला, मौजा ही मौजा। तुम्हारा नाम कामिनी है या दामिनी है? शालिनी। पिताजी का एक्सीडेंट हो गया, इसके लिए मैं क्या करूँ? हेलो, तुम्हारे पिताजी का एक्सीडेंट हुआ है? कहाँ? यहाँ। मैंने पूछा एक्सीडेंट किस जगह पे हुआ? ओह, प्लेस नियर अलंकार सिनेमा, मनाली। क्या बकते हो, अलंकार सिनेमा कहाँ, मनाली कहाँ? मेरी बात सुनो, पापा का एक्सीडेंट हुआ कह के बुलाना, बाद में मैं खूबसूरत हूँ कहना, पार्क ले जाना, फिल्म देखने ले जाना, ये सब मुझे पसंद है। वाह 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 वा। अरे ये बड़ी मिस इंडिया ऐश्वर्या राय बच्चन है जिसे मैं बाहर ले जाके खूबसूरत है कहूंगा। अरे छोड़ना यार, वहाँ राखी सावंत का पोस्टर देखते हुए तुम्हारे बाप का एक्सीडेंट हो गया, अब तुम जानो तुम्हारा बाप जाने या राखी सावंत जाने। मौजा ही मौजा। माँ कहाँ है? डैड कहाँ है? माँ तुम क्या कह रही थी कि सचिन बहुत अच्छा लड़का है? हाँ, आज वो कह रहा था कि डैड का एक्सीडेंट हुआ, वो भी हंस हंस के कह रहा था। दिखाती हूँ, कल ही दिखाती हूँ कि मैं कौन हूँ। हल्की, कल क्यों, आज ही दिखा दूंगी। बाइक एक्सीडेंट, सचिन कॉलेज मेट, हॉस्पिटल ले गया, घर लेकर आया, आप खुश? कैसे कहूँ? समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, मुंह से ही कहो, चलेगा।
थैंक्स सचिन, थैंक्स अ लॉट। कल जो कुछ भी हुआ उसे न जानकर मैंने गलत बात कही। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। कम ऑन शालिनी, पहली मुलाकात से ही हम दोनों का 36 का आंकड़ा है। इतने में ही मैं आके कहूंगा कि तुम्हारे बाप का एक्सीडेंट हुआ तो कैसे यकीन करोगी? ऊपर से अलंकार सिनेमा मनाली कहकर मैंने और भी कंफ्यूज कर दिया। अब वो कैसे हैं? ठीक तो है ना? दर्द तो है, अदबे ठीक होके। हाँ, उन्होंने कुछ कहा कि किसे देखते हुए एक्सीडेंट हुआ? या कोई बच्चा बीच में आ गया, उसको अवॉइड करने के लिए स्लिप हो गया, ऐसा कुछ बहाना किया? You're a nice guy. बस ऐसे ही एक नाइस गाय की एक्टिंग कर रहा हूँ। एनीवे, आई एम सचिन। I'm शालिनी। शालिनी, कॉलेज के सभी लड़के जिसके दीवाने हैं वो ड्रीम गर्ल, वो आप ही हैं। Shut up. मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। Very cute. Shut up. Sweet. Shut up. और ये जो चमकते हुए दांत है ना, दांत दांत। और फिर ये। Shut up. Bye. Bye. जितना भी पढ़ो समझ में नहीं आ रहा, किताब को सीधा करके पढ़ो, शायद बात बन जाए। ए मखनलाल, लड़कियों को रुकने के लिए कहो। कौन सी लड़कियाँ? आई के कहाँ गया? वहाँ पहुँच गया, देखो कहाँ पहुँच गया। हेलो, कैसा बचपना है। हेलो हेलो हेलो, एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी। यस सॉरी, मेरी एक बुरी आदत है, मुझे जब भी कुछ अच्छा लगता है मैं फौरन कह देता हूँ। वहाँ गली के कोने पे गणेश जी के मंदिर में तुम लोग प्रे करते हुए बड़ी बड़ी कुछ बोल रही थी ना, वो मुझे अच्छा लगा और वहाँ से प्रसाद लेके अपने माथे पे लगाए, ये देखो अभी भी है, वो भी अच्छा लगा। बस कहने का मन किया कह दिया। और उसके अलावा तुम अपना नाम मत बताओ, मैं भी नहीं बताऊंगा। ओके बाय। आहा, उसने बिछाया जाल। ए मास्टर, तुम इस तरह बात नहीं कर सकते थे। करूंगा बे। उधर झट से देखो, फट से जाओ, झट से आओ। ऐसे क्यों हाँफ रहे हो? जैसे वो हाँफ रहा था वैसे ही। वाह 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 वाह, मेरी एक बुरी आदत है जी, यही ना रहे? वही है, अपने दिल की बात मैं फौरन कह देता हूँ, यही ना रहे? वही। हाँ, वही। मेरी बातों का बुरा मत माना, यही ना रहे? हाँ, हाँ, वही। बोल दो। हाँ, बोलो ना। तुम बहुत बहुत डब्बा आइटम दिख रही हो। ऐसा चो, तू अपने मन की बात कहता है तो एंजॉय करती है, मैं अपने मन की बात कहता तो चाटा मारती है, आखिर ये टेक्निक क्या है बताओ? वो जान गया तो तू हीरो नहीं बनेगा। हाँ वाकई ना बाबा, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मैं शाहरुख के पेट पर हाथ नहीं मारना चाहता।
अरे तुम्हारी माँ ने ही तो लंच पे बुलाया था ना। तो क्या ऐसे आ जाओगे? पहले बाहर निकलो। तुम कब आए? हाँ ये जो पूछ रही हो ना ये बहुत अच्छा सवाल है। क्या पूछा तुमने? कब आया? यही ना वो यूं ही बरस बरस काली घटा बरसे, उसमें इस कमर का जोर से झटका दे रही थी ना, तभी आ गया था। वाह 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 वाह, क्या डांस करती हो यार। लिया मिर्जा तो तुम्हारे सामने लिया मिर्जा है। सुनिए एक छोटी सी व्यूज चॉइस है, उस तरफ मुड़के नाचने की वजह से कुछ ठीक से देख नहीं सका, जरा इस तरफ घूम के हिलाओगी सॉरी डांस करोगी तो देख के मैं संतुष्ट होके यहाँ से चला जाऊँ। प्लीज एक बार प्लीज वंस मोर प्लीज। मजाक उड़ा रहे हो? नहीं टांग खींच रहा हूँ। एक बार यार एक बार प्लीज। ठीक है ठीक, आज नहीं कल कल ओके। एंड सचिन इसके बारे में तुम कॉलेज में मुंह नहीं खोलोगे। एक्चुअली स्पीकिंग अब इस पल तक मुझे वो ख्याल नहीं आया, अब तुम्हारे कहने के बाद मैं सोच रहा हूँ कि कॉलेज में इसका ढिंडोरा पीटने से कैसा होगा। आहा होने को कौन टाल सकता है। यूं ही बरस बरस काली घटा बरसे। Very happy. अगर किसी ने कुछ करने से मना किया तो वो करके ही रहोगे ना? शालिनी। Okay guys, मानती हूँ। मैं ना शॉर्ट कट पहनी हुई हूँ। शालिनी। चेहरे पे बेसन लगा हुआ था। और बालों में कलर लगा हुआ था। एक मिनट। शालिनी प्लीज। शालिनी। I know. जरा गाना लगा के सेक्सी मूवमेंट में डांस कर रही थी। एनी प्रॉब्लम? अरे तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है शालिनी? अगले हफ्ते की म्यूजिक फेस्टिवल में हम क्या करने वाले हैं इसका डिस्कशन चल रहा था, तो सचिन ने ये गाना सजेस्ट किया और तुम हो के चेहरे पे बेसन, हेयर कलर, शॉर्ट कट, सेक्सी डांस, सेक्सी डांस। I'm sorry, sorry, please. बेंजी, आपका अपना कोई मर गया है क्या जो बैठ के इस तरह मातम मना रही हो? What? नहीं, किसी लीडर वीडर के मरने के बाद टीवी और रेडियो में इसी तरह का बाजा बजता है इसीलिए। Hey, क्या तुम हमारा मजाक उड़ाता है? नहीं बेंजी। This is rock. रॉक हो या खाक हो, गाना गाओ तो सर से लेके पांव की उंगली तक सर से 1000 वोल्ट का करंट आना चाहिए। गाना वो है जो लंगड़े को भी नचा दे। घर में तो अकेले में शोभा मुद्गल का गाना बजा के डांस करती हो और बाहर आते ही आई लाइक ओनली इंग्लिश सॉन्ग्स या कह के बिल्डअप देती हो। ऑल डिटेल्स आई नो बहन जी। Hey, म्यूजिक के बारे में तुम क्या जानता है? क्या जानता हूँ पूछती है? मैडोना जी को अपन के बारे में नहीं पता। ऐसा है खटारा, जैसे ऑटो रिक्शा में एक्स्ट्रा पहिया लगाया और कुछ तरह भी गेट समझता है तो आ गया। डेली रंग बिरंगी गाड़ी में आके उतरता है लेकिन एक भी रंगीली नहीं पा रहा है। ऊपर से हमारे सामने रोक झाड़ता है साला। यो मदर कम हियर वेटिंग यो मदर येप येप। अबे बे 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 बे, अपने एफएम बंद करके बैटर पे आ जा। अरे मत पूछो मक्खन लाल, ये गाड़ी लेके मैं बाहर ही निकल नहीं पा रहा हूँ। जवान लड़के सड़क पर लाइन में खड़ी होके मुझे लिफ्ट दो कह के जान खा जाती है। अबे तू एक बात बता, ये गाड़ी म्यूजियम से चुरा के लाया है या बाबा आदम से? ए मक्खन। अरे यार दिखने में तू गाड़ी का ओनर नहीं लगता है, गाड़ी चोर लगता है। सही कहा। बात सुन, कुछ दिन से सचिन नाम का एक लड़का यहाँ आया हुआ है, वो भी ऐसा शर्ट का आधा हिस्सा बाहर आधा हिस्सा अंदर डालता है, एक पुरानी बुलेट रख के बुलेट की तरह बात करता है,
इतना ही नहीं, मेरी भी पर्सनैलिटी नहीं है उसकी। क्या? फिर भी वो शालिनी उसके आगे पीछे घूमती है, उसे क्या चक्कर चढ़ाया, क्या घोल के पिलाया कुछ पता नहीं। ए तू मर्द है तो उस जैसी किसी लड़की को पिकअप करके ला, नहीं तो इस खटारे के साथ किसी म्यूजियम में जाके बैठ। तूने बोल दिया ना, कल मैं क्या करता हूँ देख लेना, मैं ऐसा चक्कर चलाऊंगा कि सचिन क्लीन बोल्ड। बोल्ड क्या होता है भाई? बॉलिंग करने वाला होगा शायद। अच्छा हेलो शालिनी, तुमने सुना? व्हाट? क्या क्या लिखा हुआ है? देखते हैं यहाँ पे क्या है। सत्यानाश कर दिया। सचिन को कह रहा है जल्दी जा। सचिन इतनी गिरी हुई हरकत करेगा मैंने सोचा भी नहीं था। गलती तुम्हारी है शालिनी, कांच को हीरा समझ के तुमने अपने माथे पे लगा लिया। नतीजा देख लिया? कोई दारू की दुकान में जाके जब पेग लेता है तो असली है या नकली उंगली डाल के चक के देखता है। मेल जोल बढ़ाने से पहले तुम्हें पता तो लगाना चाहिए था कि वो अच्छा या बुरा। देखो उसने क्या कर दिया, मैं किसी को क्या बोलूंगा। ओवर हो रहा है? हाँ ओवर हो रहा है, दबा दे। तुम फिक्र मत करो शालिनी, इस दीवार को तो मैं ठीक कर दूंगा। चार आदमी, दो बोरी सीमेंट, चार ब्रश, थोड़ा डिस्टेंपर, कितना लगेगा? 50,000 क्यों ना लगे, मैं अपनी शालिनी के लिए पूरी दीवार का व्हाइट वॉश करवा दूंगा। तुम फिक्र मत करो शालिनी। अब तो पता चला ना कॉलेज में कौन घटिया है कौन पक्का जेंटलमैन। अबे मुंह क्या देख रहा, बोलना। शालिनी तुम सचिन को एकदम हाई क्लास समझती हो, देखा उसने कितनी लो क्लास हरकत करके दिखा दी। सूरत देखकर किसी का अंदाजा नहीं लगाना तो चाहिए, पीठ देख के अंदाजा लगाना चाहिए घन चक्कर कहीं का। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी शालिनी को बदनाम करने की? मामला जम गया चल। हाँ लगता तो है। कभी कभी अदिति जिंदगी में जवाब नहीं सचिन। मेरा जवाब नहीं, क्या हुआ? हाँ। अरे व्हाट्स ऑल दिस? बाइक रिपेयर को दिया, सो वॉकिंग। मैं वो नहीं पूछ रही हूँ, ये क्या है? ओ सचिन लव्स शालिनी, ये क्या दो आई? न्यूमरोलॉजी है। शट अप, मैं तुम्हें डिसेंट समझ बैठी थी लेकिन तुम इस कदर गिरे हुए निकले सचिन। चौराहे पर आने जाने वाली लड़कियों को छेड़ने वाले एक लोफर निकले तुम। हे, होल्ड ऑन, कूल, रिलैक्स। व्हाट डू यू मीन बाय रिलैक्स? हे, वेट शालिनी, वेट। सुनो, अगर मुझे तुमसे कुछ कहना है तो तुम्हारे सामने आके आंखों में आंखें डाल के कह दूंगा। टच मी, टच सचिन। उसे छोड़ के घुमा फिरा के इस तरह दीवारों पे ये सब लिखने वाला आदमी मैं नहीं हूं। मेरी बात सुनो, अगर तुम्हारे साथ कुछ हुआ तो पहले सोचो कि वो आदमी इस तरह का है, वो ऐसा कर सकता है, एंड देन रिएक्ट। बस फट करके चढ़ जाने से क्या फायदा? डोंट जस्ट एक्सप्लोड। मैं कुछ सीरियसली नहीं लेता, मैं जानता हूं कि शालिनी एक पल के लिए ऊपर चढ़ जाती है और दूसरे पल नीचे उतरेगी, बट सम पीपल यू नो दे टेंड टू गेट हर्ट। मैंने ये सब नहीं लिखा, सचिन उस तरह का आदमी नहीं है यार। ओके बात भेजे में उतरी या ऐसे ही सर हिला रही है? शालिनी माना कि ये सब मैंने नहीं लिखा, पर उसमें जो लिखा हुआ है वो 100% सच है। सचिन लव्स शालिनी। What? Yes, सचिन लव्स शालिनी, that's true। ये मैं इनकार नहीं करूंगा। I'm in love with you, शालिनी। Are you joking? No, I'm serious। मुझे तुमसे एक बार नहीं कई बार प्यार हुआ है। पहली बार तुम्हें बरसात में देख के प्यार हुआ। आई थिंक तुमने एक मरून कलर की ड्रेस पहनी हुई थी, उसके कॉलर पे एक फ्रिल भी था। उसके बाद एक दिन कॉलेज में तुम्हें गुस्से में पूछा कि क्यों मैं तुम्हें घूरता रहता हूँ, तभी प्यार हुआ था। उसके बाद एक दिन तुम जरा जरा डांस को लेके शायद मैंने अपने क्लासमेट्स को कहा होगा कहके मुझसे बिगड़ गई थी। उसके बाद असलियत जानते ही सॉरी सचिन कहती हुई क्यूट लग रही थी, तब मुझे प्यार हुआ। उसके बाद बस करो, तुम ही एक बिलो एवरेज आदमी की तरह पेश आने लगे। मेरे बारे में क्या जानते हो तुम? हम एक दूसरे को कितने दिनों से जानते हैं,
जहाँ तक मेरा सवाल है, लड़का और लड़की एक दूसरे को जानकर समझकर जो होता है वही प्यार है। जानकर और समझकर? कैसे कैसे? क्या पसंद है क्या नहीं, ये सूट करेगा या नहीं, कोई प्रॉब्लम होगी या नहीं, ये सब जानकर? हाँ ओके, सब कुछ परफेक्ट है, अब मैं प्यार कर सकती हूँ कहोगी? दिस इज लव मैन, लव में ये सब प्लान नहीं कर सकते, इट जस्ट हैपेंस। क्या कोई मोटरबाइक खरीद रही हो, पेट्रोल कंसम्पशन कैसा है, रीसेल वैल्यू है या नहीं जानकर खरीदने के लिए? लव, प्यार हो जाता है क्या नहीं जाता, लेकिन उसके लिए मेरी जिंदगी के सपनों की रानी तुम ही हो, ये सब कहकर तुम्हें चढ़ाऊंगा नहीं। तुम में भी बहुत सी खामियां हैं, बात बात पर गुस्सा, फिर भी मुझे पसंद हो। I love you. I'm sorry, सचिन, तुम चाहे जो भी सोच लो, मुझे लव एट फर्स्ट साइट में बिल्कुल भरोसा नहीं। पल भर में होने वाला प्यार पल भर में मिट जाता है। डोंट हैव एनी सच आइडियाज। अब मैं क्या करूं आप ही बताइए, इसकी बहस और बचपना देखने के बावजूद भी मुझे उससे प्यार हो रहा है, कहीं कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। आप लोग देखते रहिए, जल्द से जल्द वो मुझसे मोहब्बत कर बैठेगी। कि मेरे दोस्त ने फोन किया, उसे खत्म करते ही प्रोफेसर ने पकड़ लिया, एक घंटा सर खपा रहा था, क्या करें। किसी तरह पीछा छुड़ा के निकला तो देखा बाइक में पेट्रोल नहीं है, बाद में बाइक को धक्का देते हुए पेट्रोल पंप तक आऊंगा सोचा, क्यों विश्वास नहीं हो रहा है? मुझे भी नहीं हो रहा, सॉरी सॉरी। एक हग, एक किस, थैंक यू। मुझे माँ पसंद है, माँ डांटती है। इतनी देर से कह रही हूँ लेकिन ये दवा नहीं ले रही है सचिन। हेलो मैडम, हमें भगवान की दी हुई सबसे बड़ी गिफ्ट है माँ। दवा खाओगी तो ही बुखार जाएगा ना, बुखार जाएगा तो ही बारिश में खेल सकोगी ना, बारिश में खेलोगी तो ही आइसक्रीम खा सकोगी, आइसक्रीम खाओगी तो ही फिर से बुखार आएगा, बुखार आएगा, बुखार आएगा। हम जो यहाँ से सोचते हैं माँ यहाँ से सोचती है, नसीब वालों के पास ही माँ होती है। जाओ जाके माँ जो दवा दे रही है वो खा लो। ए माचिस की तिल्ली, आज जो भी खाना चाहे खा ले, और सुन ये पिज्जा खाएगा या वहाँ पे बैठी उस पिशाच को खाएगा, जो भी खाना ऑर्डर कर ले, ऑनर को मेरे टेबल पे आके मिलने के लिए कहो। क्यों बड़ी खुशी में हो, कोई लाठी वाटी लगी क्या? अरे ऐसा कुछ नहीं है, ओवरसीन दिखा रहा था ना वो सचिन, मुझे घूंचू समझ रहा था, लेकिन मैंने भी ऐसा झटका दिया कि अभी तक हिल रहा होगा। इस चालू ने ऐसा क्या किया होगा? हाँ लाओ 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 लाओ। अब जूठन खाएगा? ओहे वो छोड़ो, तुमने ऐसा क्या किया? अरे मत पूछ यार, कल सचिन को फंसाने के लिए मैंने दीवार में कुछ लिख दिया, उसे पढ़ने के बाद कहने लगा कि उसने नहीं। सॉरी गाइस, कल एमटीवी पे एक गाना आया था यार, गाना हो तो ऐसा, क्या म्यूजिक था, क्या डांस था, कमाल का। मेरी बातों का बुरा मानो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन शालिनी की बात सुनने के बाद मैं होता तो पिज्जा नहीं साइनाइड खा के मर जाता, लेकिन तुम पे तो कोई असर ही नहीं है भाई, ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले अभिनव बिंद्रे की तरह कैसे घूम रहे हो? ए, अब हुआ क्या है, मेरी तरह लव एट फर्स्ट साइट नहीं होता ये कह रही है, इतना ही है ना? कभी नहीं होगा ये तो नहीं कहा, होगा प्यार जरूर होगा। मैं खुद लाखों करोड़ों पानी की तरह उस पर निछावर करता हूँ, रोज नई नई गाड़ी लाके उसे इंप्रेस करता हूँ, फिर भी मुझे वो ऐसे देखती है जैसे कि मैं कोई कार्टून हूँ। और एक तुम हो जो मिलिट्री कैंटीन से माल लाके बेचने वाले से सेकंड हैंड बुलेट खरीद के उसमें घूमते हो, तुमसे वो कहाँ पटने वाली है यार? यही तो प्यार है, कब किसको किसके साथ कैसे प्यार हो जाता है ये कोई नहीं कह सकता, और इस प्यार के आधार पे ही तो दुनिया में इतने सारे अफसाने बने हैं। तुम लोग देख लेना, कॉलेज खत्म होने से पहले ही उसने खुद ब खुद मेरे पास आके सचिन आई लव यू नहीं बोला, बोलेगी। अरे 100 साल जियोगी। शट अप सचिन, यही बोलने वाली हो ना? क्यों बेट लगा रहे थे? बेट लगाया? शर्त लगा रही थी कि कॉलेज खत्म होने से पहले मैं तुमसे आई लव यू कहूंगी। ओफो शालिनी शालिनी शालिनी, तुम मुझे अच्छे लगते हो सचिन, लेकिन ये चुटकी बजाना वगैरह मेरे आगे नहीं चलेगा। ओके, जब बात यहाँ तक पहुँच गई है तो तुम भी सुन लो, पहली बार स्कूल में फ्रेंच टीचर पर बहुत बड़ा क्रश, फिर दिल से फिल्म देखने के बाद प्रीति जिंता पर बड़े बड़े सपने देखने लगा था, लेकिन ये सब सिर्फ क्रशस थे, पर पहली बार मैंने जब तुम्हें देखा एक अजीब सा मुझे, मैं कैसे कहूँ, ये सब कह नहीं सकता शालिनी, कह भी दिया तो तुम कहां समझने वाली हो,
मतलब देखो, यस मिल गई, मुझे मिल गई चुटकी। शालिनी, हमारा कॉलेज खत्म होने में लगभग 30 दिन बाकी हैं। उसके अंदर तुम खुद आके अपने प्यार का इजहार करती हो या नहीं देख लेना। कौन? मैं? सॉरी सचिन, वो इन 30 दिनों में नहीं, भले ही 30 साल हो जाए तब भी नहीं हो सकता। मुझे पूरा यकीन है कि मेरी तरह तुम भी मुझसे प्यार करोगी, लेकिन क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हें मुझसे कभी प्यार नहीं होगा? पूरी तरह। झूठ बोल रही हो। सच। देखते हैं। अभी 30 दिन बाकी हैं। सिर्फ 30 ही दिन? तो चलो। वो देखो उन फलों का क्या हाल हो रहा है, देखो दब जाने की वजह से संतरों का जूस निकल गया। वो घूम घूम के उस तरफ जा रही है, ये पलट पलट के इस तरफ खींच लिया। क्या क्या सीन दिखा रहा है देखो, कोई किसी की इतनी देर तक जान बचाता है? थैंक्स। अरे हटो, दुपट्टा कैसे डाला जाता है पता है? कैसे, बताइए ना। जाओ 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 यार, दुपट्टे को आगे की तरफ डालना चाहिए, उल्टा यहाँ लटकाना, यहाँ बांधना, स्टाइल है क्या? पहुंच गई होती मैं नहीं आता तो। सॉरी। सॉरी कभी कभार इस्तेमाल करो, अकल के अलावा बाकी सब भरपूर है। Hi. Any help? No. सचिन। अरे आप तो मेरा नाम तक जानती हैं। इससे पहले हमारी मुलाकात कभी हुई है? वाकई मुझे नहीं पहचाना? ये सब मैंने जरूर कहीं देखा है, लेकिन अफसोस बैर ये याद नहीं आ रहा। गाड़ी से गिरने के बाद ऑटो बुला के घर भिजवाने के बजाय उसे बचाने के बहाने उसकी सब जगह पकड़ के सिर से पांव तक रगड़ के देखने वालों को दिल के मरीज बना के अभी इसे पहचानने से इनकार करता है। कल बाइक में स्लिप होकर स्लिप हो गई। ओहो, उसके बाद क्या हुआ? देख तू जो कर रहा है वो बिल्कुल सही नहीं है, सीने पे हाथ रख के बोल। हाथ वहां जा रहा है, अपने सीने पे हाथ रख के बोल। तूने इसे देखा नहीं है? जाओ मक्खन, इतनी पास खड़ी है और देखूंगा कैसे नहीं? ए, ये बहानेबाजी मत कर, कल सचमुच तूने इसे नहीं देखा? एनीवे, तुम झूठ भी बोलते हो तो अच्छे लगते हो। नाइस टू मीट यू। मुझे भी नाइस लगा। मुझे भी नाइस लग रहा है, मुझे भी नाइस लग रहा है, मुझे भी नाइस लग रहा है। ये बता, तू सच कहता है तो भी एंजॉय करती है, झूठ कहता है तो भी एंजॉय करती है, वो कैसे मुमकिन है? ये सब धंधे की बात है मक्खनलाल, तुम नहीं समझोगे। मतलब इसी को धंधा बनाया है तूने? हाय शालिनी, राइट? मैं जानती हूँ, कहने की जरूरत नहीं। तुम सचिन से प्यार करती हो? हाँ, नो नो, किसने कहा? कहने की क्या जरूरत है, मैं तो खुल्लम खुला बोल देती हूँ। लड़कियों की बात ही कुछ निराली है, भले ही 100 लड़के हमें देखे, लेकिन हमें जो बात आए सिर्फ उसी को हमारा दिल ढूंढता है। हाँ, ढूंढेगा ढूंढेगा, पता नहीं क्यों उसके बात करने का अंदाज, मुझे इग्नोर करने का ढंग, उसकी स्माइल क्यूट है, जस्ट क्यूट। प्रॉब्लम तो सचिन के स्माइल से ही शुरू होती है।
Somebody told me तुम्हारे और सचिन के बीच कुछ लव। देखिए, मेरे और सचिन के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं उससे प्यार नहीं करती। Are you sure? Very sure. That's cool. अगर चाहो तो मैं सचिन से प्यार कर सकती हूँ, है ना? आप सचिन से प्यार करें तो क्या, ना करें तो क्या? I don't care. ठीक है, आज से ठीक 2 दिन के अंदर मैं सचिन को अपने प्यार में जकड़ लूंगी, देख लेना। जहां जाकर सचिन इससे प्यार करेगा, कहीं कर लिया तो। आप क्या लेंगे सर? 2 बॉटल्स कोल्ड ड्रिंक्स लाओ। किन किन को खुश करना पड़ेगा मुझे? सुनिए, काफी देर से देख रहा हूँ, आप मुझे ही देख रही हैं, और आप इतनी देर से मुझे देख रही हैं, इसलिए मैं भी आपको देख के स्माइल दूंगा, फिर आप भी मुझे स्माइल देंगी, फिर मुस्कुराते हुए एक दिन आप मेरे पास आके प्रपोज करेंगी, तब मैं हाँ कहूंगा, तब शुरू होगा। देखिए, आपको देखने से पता चलता है कि आप क्रिश्चियन हैं। कल आपके घर वालों को पता चलेगा, तब रोना धोना, वो देख के मैं टेंशन में आ जाऊंगा, सबके लिए परेशानी। इसलिए इत्मीनान से सोच के फैसला कीजिए कि बात बनेगी, हम दोनों की जोड़ी जमेगी, ये सब कंसीडर करने के बाद ही। मम्मी मैरिड? इसीलिए तो मम्मी हूँ। पहले ही कह दिया होता मैं अपना गला तो नहीं फाड़ता। एक्सक्यूज मी, ये कौन? अगर आप हाथ हटाएंगे तो अपनी बीवी बच्चे को लेकर चला जाऊंगा। अब हस्बैंड भी आ गए, जाइए जाइए। मे बी इनसे मिलने से पहले तुमसे मिली होती तो ये सब हो गया होता। भाई देवी जी, बहुत हो गया, आप जाइए, पधारिए, जाइए जाइए। कैसी हो डार्लिंग, तुम कब आई? मम्मी से मिलने से पहले ही आ गई, अब खुश हो? शालू डार्लिंग, अपनी मुंह से खुद की तारीफ करना अच्छी बात नहीं है, फिर भी करना पड़ रहा है। देखो, मुझ जैसे स्मार्ट आदमी के साथ यही प्रॉब्लम होती है। वैसे तो वो लड़की शादीशुदा है, हस्बैंड भी है, समझा, बुझा के भेजते मेरा पसीना छूट। या, मैं देख रही थी। देख लिया ना। खैर वो सब छोड़ो, जाने दो। वैसे मुझ में ऐसी क्या बात है मैं खुद नहीं जानता, अब तुम्हारी बात ले लो ना, मुझे देखे बिना तुम रह सकती हो? मैं ये कहने आई हूँ कि हमें शर्त लगाए, 10 दिन पूरे हो गए हैं, कह दिया बाय। 10 दिन और भी 20 दिन बाकी हैं, मेरे बारे में नहीं जानती। सचिन। ए मंजू, सुबह सुबह कैसे? अर्जेंटली जाना है। अर्जेंटली जाना है तो जाओ, मेरी परमिशन किस लिए? अर्जेंटली फ्रेंड के घर जाना है। जाओ। बाइक ब्रेक डाउन, ऑटो नहीं मिला, लिफ्ट प्लीज। अरे आपको लिफ्ट नहीं दूंगा क्या, आगे या पीछे? As you like. Just joking, पीछे ही बैठा है। तो चले। हुआ क्या? गरम हो गया। ओह रियली? हाँ, बार बार ब्रेक लगाने से रगड़ जाता है ना, इस वजह से थोड़ा गरम हो गया। पिछले हफ्ते ही सर्विस किया मैंने, लेकिन फिर भी गरम हो गया, लगता है इंजन को ही बदलना पड़ेगा। इंजन? हाँ इंजन, बाइक का। तो इतनी देर तक इंजन के बारे में बोल रहे थे? हाँ, क्यों, तुमने क्या सोचा? एक दिन ऐसा फंसेगा चिकने के मैं तेरी बोलती बंद कर दूंगी, चलती हूँ। अगर लड़की चाहे तो किसी की भी कभी भी बोलती बंद करा सकती है। ये लड़का कैसा है? क्या हो गया है आपको? मासूम की जिंदगी को बर्बाद करना चाहते हैं आप? ठीक है, ये लड़का? ओफो, मासूम का क्या होगा, आप क्यों इस तरह सैडिस्ट हैं? ये आपका जमीर मर गया है क्या? माँ, तुम इस तरह मुझे मासूम मासूम कहती रहोगी तो मुझे एक भी दूल्हा नहीं मिलेगा। तुझे मासूम कौन कह रहा है? मैं अभी तक जो मासूम मासूम कह रही थी वो इन लड़कों के लिए था। तुझ जैसी चुड़ैल से शादी करके इन मासूमों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, बेचारे। वेरी फनी।
मंजू एनी हेल्प? इट्स ओके सचिन. अरे तू भी ना. अब स्टॉप. क्या है? मुझे आज एक बात जाननी है. जब वो स्लिप होती है तब तो आता है या तो आता है ये जानकर वो स्लिप होती है? इस सवाल का जवाब देके जा. अरे ये सब धंधे की बात है मक्खनलाल, तू नहीं समझेगा. चलो फूल से मुलायम पाँव में मोच आई है और मोच निकालनी है, यही ना? उठो. क्या हुआ? सचिन पकड़ लिया. पकड़ लिया? कौन सी बात कब कहाँ करनी है तुम नहीं जानती? अरे यार कमर पकड़ ली है. कमर पकड़ ली है. सचिन तेल लगा के दबा दोगे ना? अरे क्या यार, तुम्हें भी यही पसंद है? ये तेल लगाना, ऑमलेट बनाना, लट्टू घुमाना, ये सब पुरानी बातें हैं. मेरी तो स्टाइल ही अलग है. ये कला न जाने की वजह से एक ही क्लास में हर साल फेल होकर आज कुंवारा सीनियर सिटीजन बन गया हूँ. कैसा इलाज कर रहा है देखो. इसे कहते हैं फूलों का मिलन. मुंह से क्या क्या कमाल करता है ये बंदा. इससे तो तेल ही बेहतर है, एक ही जगह काम हो जाता. इसे किसने कहा कि ये वाला इलाज करो? फूंक फूंक के ही अच्छा पता लिया. शालिनी अब बोलो, तुम सचिन से प्यार नहीं करती? प्यार में ईगो किस लिए? समटाइम्स यू विन व्हेन यू लूज. जो हमें चाहता है उसे हारने में भी एक मजा है. तुम्हें अपने प्यार का एहसास हो जाए इसीलिए मैंने ये सब किया. सचिन इज रियली अ नाइस गाय. तुम उससे प्यार करती हो ये मैं जानती हूँ. ईगो को छोड़े बिना जिंदगी में कोई कुछ भी नहीं पा सकता. जिसे हम चाहते हैं उसे अगर हमसे बिछड़ना पड़े तो कितना दर्द होता है इसका मुझे एहसास है. जिंदगी में तुम्हें कुछ भी खोना पड़े लेकिन सचिन को मत खो देना. ओके शालिनी, तुम्हारे मुंह से आई लव यू सुन के जब वो मुस्कुराएगा ना तब मुझे फोन करना. पहिना पहिना, अरे जो बोलना चाहती हो वो बोल दो. अरे ये क्या बड़े बड़े चैलेंज मार के पंक्चर हुए टायर की तरह कैसे हार मान जाऊं यही सोच रही हो ना? छोड़ो छोड़ो, इट्स ओके, इट्स ऑल इन द गेम. मन बदलने से पहले जो कहना चाहते हो वो कह डालो माय डियर शालिनी डार्लिंग. सचिन. सचिन हाँ वही मेरा नाम है, जानता हूँ. आगे आगे आगे. हमारी शर्त पूरी होने में अब 10 दिन 4 घंटे 20 मिनट और 15 सेकंड बाकी बचे हैं. याद रखना मुझसे चैलेंज करता है. खूबसूरती के साथ साथ ऊपर वाले ने घमंड भी भरपूर दिया है इसे. ए सचिन, ए सच्चू, उस रवि का सेलफोन नंबर क्या है? कौन सा रवि? वही वो लूज रवि. उसी से फोन करके पूछ लेना. ओके. ए उसका नंबर नहीं है इसलिए तो पूछ रहा हूँ, कैसे फोन करूँ मैं? नहीं जानता हूँ बे. ठीक है पीके मिश्रा का नंबर दो. पीके मिश्रा का नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6. हाँ ऐसे भी नंबर रखते हैं क्या? हेलो ये भाई एंगेज है, एक ही नंबर है क्या? अबे घोंचू एक नहीं 8 नंबर दिया है, अकल नहीं क्या? तू हद से ज्यादा बढ़ रहा है आजकल.
ठीक है, नंबर नहीं चाहिए, रूबरू मिलूंगा। टाइम क्या हो बताओ? टाइम देखना नहीं जानता, भाग यहाँ से। टाइम देखना नहीं जानता? इतना बड़ा होकर भी टाइम देखना नहीं जानता? ठीक है, छोटी सुई बड़ी सुई कहाँ है बताओ, मैं हिसाब कर लेता हूँ। दोनों घड़ी के अंदर ही हैं। क्यों मेरी जान खा रहा है, क्यों खा रहा है मेरी जान? अरे दिन दहाड़े बीयर क्यों पी रहा है? तो आधी रात को पीऊं तो चलेगा? अरे ये पब्लिक प्लेस है यार। तो होटल में कमरा बुक करके पीऊं? देखने वाले घर समझेंगे ना। अरे तेरी प्रॉब्लम क्या है? पीता मैं हूँ, चढ़ती तुझे है। एक मिनट ये पकड़। मेरा मतलब है बियर पीना गलत नहीं है, लेकिन सड़क पे खड़ा होकर शराब पीता है लोफर कहीं का। थू, थू, थू। इसे तो पुलिस से पकड़। हाथ में रखने वाले को गाली दे रही है, ले पकड़ पकड़। ए असलियत जाने बिना गाली दे रही है। आहा, माँ बेटी दोनों आ रही हैं, इसे बियर पीते हुए देखकर इसकी मरम्मत कर देंगी। साथ में रहूंगा तो मेरी भी खैर नहीं। सचिन मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा है? कहीं भी जाऊँ, तुझे क्या? मैं पूछता तो तू जवाब नहीं देता है, मैं कहाँ जा रहा हूँ तुझे क्यों बताऊँ? बात करता है साला। रुकना। नमस्ते, सलाम सलाम। ये आप क्या कर रही हैं? पहले से आप शालिनी की दीदी हैं या छोटी बहन है, इसका पूरे शहर में कंफ्यूजन चल रहा है। ऊपर से आप दोनों एक साथ सैर करने निकले। तो क्या मैं चुप रहूंगा? हाँ, मैं तो देखता ही रह गया। वहां जा रही है, कैंटीन में जा रही है, और यहाँ। अरे पहले तुम्हें नहीं देखा ना, तो फिर फेंक क्यों नहीं दी? क्या देखा और मुझे क्या फेंक देनी थी? कुछ भी साफ साफ बोलने की आदत नहीं है तुम्हें। मैं और मेरी माँ शॉपिंग को आए थे। हाँ आए थे। वहां पे तुम बियर पी रहे थे। हाँ पी रहा था। दिन दहाड़े खुलम खुला बियर पीते हो, तब क्या मेरी माँ तुम्हें गलत नहीं समझेगी? तुम्हारी माँ मुझे क्यों गलत समझेगी? ओ, उनको ऑफर नहीं किया इसलिए? शट अप सचिन। देखो शालिनी, मैं दूसरों के लिए एक्टिंग नहीं कर सकता। कल मौसम सुहाना था, पीने का मन किया, पी लिया। इसलिए तुम्हारी माँ को देखते ही बियर फेंकना और मुंह में बबल गम डालना वगैरह, आई डोंट डू ऑल दिस। यही हमारी प्रॉब्लम है, आधी जिंदगी दूसरों के लिए जिया करते हैं। ये क्या सोचेगा, वो क्या समझेगा, इसकी क्या जरूरत है? एक दिन, सिर्फ एक दिन अपनी मर्जी से जी के देखो, उसकी खुशी कुछ अलग है। शालिनी देखो, शालिनी दूसरों को दुख दिए बिना मिलने वाली कोई भी खुशी नाजायज नहीं है। दूसरों को दुख दे के मिलने वाली एक छोटी सी मुस्कान भी बेकार है। यही हमारी प्रॉब्लम है, आधी जिंदगी दूसरों के लिए जिया करते हैं। एक दिन, सिर्फ एक दिन अपनी मर्जी से जी के देखो, उसकी खुशी कुछ अलग है। शालिनी ऊपर से ये मुस्कान, क्या बात है। शट अप शट अप शट अप। सचिन को देखा? कौन? सचिन तेंदुलकर। मेरे सचिन को पूछ रही हूँ। फिर से बोल। क्या कहा था? सचिन नहीं, पहले क्या कहा था? ओ कम ऑन, नहीं शट अप शट अप शट अप। बाय। सचिन पिकअप 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 पिकअप। कहो तो मैं अभी तुम्हें पिकअप करने के लिए तैयार हूँ। शट अप। थैंक यू मैम। पिकअप पिकअप सचिन, पिकअप पिकअप। सुनो, कब पिकअप करूं? जाओ जाओ। जाता हूं। अरे जाना। अंदर आओ, यहाँ तक आई गई तो फिर क्या झिझकना? मैं तो बस ऐसे ही आई हूँ। ओ, सोचा कहीं तुम्हारी तबीयत तो खराब नहीं। चूलिया, ओहो तो ये बात है। ये मत सोचना कि मैं तुम्हें ढूंढते घर तक आ गई। अरे नहीं नहीं, तुम्हारे बारे में ऐसा सोचने की हिम्मत कर सकता हूँ भला? कॉफी चाय?
क्यों हंस रहे हो? नहीं, सुबह 10 बजे फोन करके 8 बार ट्राई किया, फिर दोपहर को 1 बजे भी 6 बार ट्राई किया तुमने। उसके बाद क्या हुआ, लाइन नहीं मिली या टॉक टाइम खत्म हो गया? What? मैं फोन कर रही हूँ जानकर भी फोन को पास में ही रखकर। फोन पास में नहीं, हाथ में ही था। रिलैक्स रिलैक्स, बस ऐसे ही मैं एक दिन कॉलेज नहीं गया तो मैडम क्या करेगी जानना चाहता था। हम प्रसन्न हुए, 14 मिस्ड कॉल्स, घर पे विजिट, आई एम रियली हैप्पी मैन, आई एम हैप्पी। हरदम झगड़ती हो फिर भी एक दिन भी मुझे देखे बिना रह नहीं सकती ना। शट अप। आज तो मैं खाना भी नहीं खा पाऊंगा, यही सोच सोच के मैं हंसता ही रहूंगा। ये बताओ ये क्या है, फैंसी ड्रेस? मेरी मनपसंद ड्रेस। वाह 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 वाह, बहुत ही घटिया है। शालिनी का मतलब है क्यूट, हमेशा अच्छी ड्रेस पहनती हो, आज क्या हुआ इसे पहन के इतनी दूर चल के आई हो? कुत्तों ने भोंका नहीं तुम्हें? इसे मुझे दिखाने के लिए यहाँ तक आई हो? मैं उसके लिए नहीं आई हूँ। देखो शालिनी, गलती मेरी नहीं है, जब भी तुम मुझसे मिलती हो तो तुम्हारी कोई ना कोई हरकत फिर से मेरे मन में तुम पर प्यार जगाती है। मैं क्या करूं? हंसो मत, मुझे गुस्सा आ रहा है। What can I do? Manufacturing defect, पैदाइश से ही ऐसा हूं। I love you. What? I love you. Shut up. 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 Shut up. I love you. Shut up. Shut up. Shut up. I love you. Shalini, मैंने सचिन को हॉस्पिटल में देखा। What? प्रीति, are you okay? एक और आइसक्रीम हो जाए। अरे हाँ, कल वो कहानी सुनाना मैं तो भूल ही गया। छोड़कर जाने वाली यही हम जानते थे, लेकिन उसकी आखिरी सांस तक उसे हंसाते रहे। तुम्हारा यह एहसान हम जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। हमारे लिए तुम भगवान से भी बढ़कर हो। बुलबुले की तरह है अपनी जिंदगी, जितना हो सके सबको खुश रखता हूं। आखिरी सांस तक प्रीति मुस्कुराती रही, ये मेरे मन में है, मेरे लिए यही काफी है। प्रीति, मेरी बच्ची। फरिश्ता है वो, मैं हमेशा तेरे साथ ही तो रहती हूँ। तुझसे मिलने से पहले अगर उसने मुझे प्रपोज किया होता तो अपनी जिंदगी उसके कदमों में डाल देती। उसे खो मत देना शालिनी, सचिन जैसा लड़का सिर्फ नसीब वालों को मिलता है, खो मत देना।
भाई। कल रात तंदूरी चिकन मंगवाया तो आलू मटर पैक करके भेजा। वो नया बच्चा था, गलती हो गई होगी, माफ कर दीजिए। सर फोड़ दूंगा। बढ़िया चिकन तैयार है, लेकर आऊं मैं। क्या जल्दी ला। चाय तो दे दी, बिस्किट कहाँ है? थोड़ी देर रुको भाई, देखा नहीं कौन आया। भाई आप वाली ब्रांड नहीं है। ओए, कोई भी स्ट्रॉन्ग लेके आना। ओए, ऑन है इसलिए बजाता रहेगा और काट दूंगा, बंद कर बे। हर रोज रास्ता में गाड़ी रोककर लोगों को परेशान करता है और कोनो पूछ दिया तो मारपीट पर उतारू हो जाता है, पता नहीं कब खत्म होगा ये सब। पानी डाल। अब शुरू कर दिया, फिर तो गए 2 घंटे के लिए। सब्र कर ले बेटा, भैया जाके देखो ना क्या हुआ है। बदमाश लोग मारना शुरू कर दिया। तड़प रही है, बात कर लीजिए। कुछ करो ना। अब मैं ठीक, मैं जाके पूछती हूँ। एक्सक्यूज मी, वहाँ ऑटो में कोई डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल जा रही है, आपकी वजह से ट्रैफिक जाम हो गया है, गाड़ी हटाइए ना प्लीज। अच्छा, मैंने कहा कि उसे बच्चा पैदा करो, मेरा मन करेगा तभी मैं यहाँ से जाऊँगा, तू चलते बन। हेलो, वहाँ एक औरत दर्द से तड़प रही है और आप इस तरह बात कर रहे हैं। ज्यादा बकबक की तो तुझे भी डिलीवरी के लिए भेजूंगा, चल फोट। दूर क्या रही है, फोटना। हे भगवान, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, जरा सबर कर ले बेटी, सबर कर ले बस। वो लोग सुन नहीं रहे हैं, सब बदमाश है। हे भगवान, मेरी बेटी का क्या होगा। सलाम भाई। ठीक है ठीक है, आप ठीक तो है ना? पहाड़ की चोटी तक आपका नाम है, आपकी कृपा से पूरे शिमला में ठंड है। घर पहुंचते ही भाभी से बोल के नजर उतरवा लीजिए, चलता हूँ। बोतल अंदर रख देना। ठीक है भाई। फॉलो मी। ओए, हमारा भाग लेके जा रहा, पकड़ो भाले को। गाड़ी रिवर्स कर। सबर करो बेटी, सबर करो। ऑटो वाले, ओके ओके। सुनो, सीधे जाओ तो मेन रोड पे हॉस्पिटल है। चलो निकलो। ओके सर। भगवान तेरा भला करेगा बेटा। भाभी से बोल के आपकी नजर उतरवाने के लिए कहा तो आप मुझ पर नजर रखे हुए हैं। ओ, बैग चाहिए। अगर मैंने इसे नहीं लिया होता तो ट्रैफिक क्लियर करके मां बनने वाली औरत को हॉस्पिटल थोड़ी पहुंचा सकता था। नहीं ना, इसलिए ऐसा किया। ए चमचे, भाई की लुगाई की ऐसी हालत हो जाती तो तुम लोग क्या करते? फाड़ के रख देंगे। हाँ, यही तो मैं करने वाला हूं ना।
भैया क्या धुलाई की है? अरे धुलाई की बात छोड़ो, मेरा बिस्किट कहाँ है? अभी लाता हूँ भैया, ये लो। अरे सनफीस्ट। हाय, ये क्या आंख उठा के देख भी नहीं रही है? देखने लायक हो तब ना। क्या तुम्हारी तकदीर? नहीं नहीं नहीं, मैं उनके बारे में बोल रहा था। क्यों बे? कहीं ऐसा तो नहीं कि पर्सनालिटी की कमी है? पर्सनालिटी है कहाँ? बता। नहीं है तो क्या हुआ? नहीं है तो क्या हुआ? सुनो भैया, आजकल की लड़कियाँ पर्सनालिटी पे नहीं मरती हैं, सामने वाले की काबिलियत पे मरती हैं। हाँ, ये कैसे कह रहा है? सचिन की पर्सनालिटी है। सचिन? हाँ, सचिन तेंदुलकर भाई, क्रिकेट प्लेयर। वो जब बल्ला चलाता है तो बॉल हिल जाती है ना। अरे उसे छोड़ो यार, रहमान की क्या पर्सनालिटी है? इतना सकत लेके घूम रहे हैं, अपने संगीत से पूरी दुनिया को नचा रहे हैं ना। उसी तरह भैया, अंदर से अपनी काबिलियत को लेके बाहर फेंक दो, फेंका निकल जाएगी ना। अरे? मतलब पूरी दुनिया में तुम मशहूर हो जाओगे। हाँ? ऐसा बोल, अब मैं अपनी काबिलियत दिखाता हूँ। ये सब क्या है? मूवमेंट्स। किसका मूवमेंट्स? शाहिद का। तुम शाहिद हो? बच्चे बोल रहे हैं मैं शाहिद से भी बेटर हूँ। लेट जाऊं? वहीं पे रहना ठीक है। हाँ, मैंने अच्छा डांस मूवमेंट दिया ना, मुझसे जलता है। आउच। उइ, तुम्हारे पास कोई वाइट ड्रेस है? क्यों? बात यह चल नहीं, एक सपना देखा, बहुत बड़ा तूफान, जहाँ जहाँ भी देखो सिर्फ बर्फ ही बर्फ, तेज हवा चल रही है और तुम एक लंबी व्हाइट ड्रेस पहन के दौड़ती हुई चली आ रही हो। देखो इसी स्माइल के साथ मुझे देख के आई लव यू सचिन कहने के लिए दौड़ के आ रही हो। कैंटीन में देखा, लाइब्रेरी में देखा, मुझे आई लव यू कहने के लिए बेहिसाब तड़प रही हो। दूर मुझे देख के तेज रफ्तार से दौड़ रही हो। इतने में मेरी आंखें खुल गई। यही तो, ये सब सपनों में ही हुआ करता है। सचिन एक बात कहूं, कॉलेज खत्म होते ही मेरी शादी तय है। कब? शाम को 5 बजे के बाद? शट अप, मेरे पिताजी के कोई फ्रेंड कनाडा में रहते हैं, किसी की शादी की डीवीडी में पूरे ग्रुप के साथ, वो भी आउट फोकस में खड़ी हुई मुझे देखकर उन्होंने पसंद किया और फोन किया। शालिनी जो तुम कह रही हो वो ट्रू, कुछ ही दिनों में वो सब यहाँ आएंगे, सब ठीक हुआ तो फॉरेन शादी फिर कनाडा। शालिनी इसीलिए कह रही हूँ, बेकार में मेरे बारे में मत सोचो। शालिनी ये तुम क्या बोल रही हो? सचिन देखो शालिनी, झूठ बोलने की भी एक टैलेंट होती है। वो कैसे 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 ग्रुप में खड़ी थी, वो भी आउट फोकस में। अरे 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 अरे, इस तरह सीन बनाने से हम यकीन कर लेंगे। अरे ये क्या, लड़के खुश रहते हैं तो तुम लोगों को अच्छा नहीं लगता? बाप रे बाप, इन लड़कियों ने लड़कों से क्या कहने से उनकी हालत क्या होती है इसकी लंबी चौड़ी लिस्ट बना के रखी है। लेकिन मेरा नाम भी सचिन है, कोई असर नहीं पड़ेगा। सचिन। अगले 2 दिनों में शर्म से झुकी नजरें लिए, अपने गालों में मेरे प्यार की लाली लिए, मेरे करीब आके मेरी सांसों में सांसें मिला के अपनी आंखों में मेरा अक्स लिए, I love you सचिन। ऐसा अगर तुमने नहीं बोला, बोलोगी? कमाल का सेल्स लगा है। कपड़ों की कितनी वैरायटी थी ना। हेलो सचिन। हेलो अंकल। क्यों भाई, घर भी नहीं आए, फोन भी नहीं किए, बहुत बिजी हो क्या? ऐसा कुछ नहीं अंकल, आप कैसे हैं? हम अच्छे हैं बेटे, लेकिन सचिन तुमने हमें परेशान कर दिया है। मैंने क्या किया? घर में कदम रखते ही सचिन, इधर मुड़ो तो सचिन, उधर मुड़ो तो सचिन, जब देखो सचिन सचिन सचिन। लेकिन एक बात मानता हूँ, मिजाज में ठंडक जरूर आई है। घर आया करो बेटे, शालिनी अब कुछ ही दिनों में जाने वाली है। कहाँ? उसने तुम्हें नहीं बताया, उसकी शादी तय हो गई है। दोनों बचपन से एक दूसरे के साथी हैं,
मेरे क्लोज फ्रेंड का बेटा है, 2 दिन में कनाडा से आने वाले हैं। शालिनी से पूछिए, अगर उसे मंजूर है तो शादी कर देंगे। कहा, पता है मैं तो डर रहा था ये किसी के पैर वैर के चक्कर में तो नहीं, लेकिन शालिनी ने हाँ भर दी। मोस्ट प्रोबेबली इफ एवरीथिंग गोज वेल 15 दिनों में शादी हो जाएगी। घर आया करो सचिन, ओके बाय, सी यू। अच्छा बेटा। मैं तो डर रहा था ये किसी के पैर वैर के चक्कर में तो नहीं, लेकिन शालिनी ने हाँ भर दी। सचिन, वेट, कल मेरे पिताजी से मिले थे ना, अब तो यकीन हुआ ना कि मैं सच कह रही थी। हेलो, क्या हुआ? आज के दिन की खासियत पता है? बर्थडे है क्या? जिस दिन का तुम्हें बड़ी बेसब्री से इंतजार था, वो दिन जो मैं चाहता था कि कभी ना आए, 30वां दिन। थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था, शालिनी मेरी ही है इसका घमंड। लेकिन एक बात है शालिनी, मेरे लिए इन 30 दिनों की यादें काफी हैं। पल भर के लिए भी आंखें बंद करूं तो आई कैन सी यू, आई कैन स्मेल यू, आई कैन फील यू। शालिनी, शालिनी, इन 30 दिनों में मैंने कभी बातों बातों में या हंसी मजाक में तुम्हें चोट पहुंचाई हो तो जस्ट कीप इन माइंड शालिनी, मैंने अपनी माँ को कभी नहीं देखा है। अपनी जिंदगी में पहली बार अगर मैंने किसी औरत को चाहा है तो वो तुम हो शालिनी। अगर इसके बावजूद तुम समझती हो कि मैंने तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचाई है तो आई एम सॉरी शालिनी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। एंड आई वोंट कॉल, आई वोंट कम, कभी मेरा साया तक तुम पर नहीं पड़ेगा शालिनी। बड़ी तकलीफ हो रही है शालिनी, पता नहीं कुछ खो देने की, क्या करूं, झूठ मूठ की भी हंसी नहीं आ रही है शाल। एनीवे, बाय। ऐसा लगता है मैंने आज ही तुम्हें बारिश में देखा, और इतने में मैं जा रहा हूं शालिनी, आंखें पता नहीं धुंधली सी, बस इतना ही ना। चैलेंज किया था उसने कि 30 दिन में मुझे उससे प्यार हो जाएगा। उसके कहने के मुताबिक आई लव हिम मैन, आई लव हिम। तो उसे मिलके कह क्यों नहीं देती? नो नो नो, अगर आज मैंने उससे बोल दिया तो लाइफ लॉन्ग मेरी खिंचाई करेगा। आज रहने देती हूँ, कल बोल दूंगी, पूरी दुनिया के सामने चिल्ला चिल्ला कर बोलूंगी कि आई लव यू सचिन। कुछ भी टाल सकती हो, लेकिन अपने प्यार के इजहार को कभी नहीं टालना चाहिए। हे, एक रात की तो बात है, आज रात भर जनाब को अच्छी तरह रोने दो, सुबह होते ही उसे अपनी बाहों में लेकर कहूंगी, ए सचिन, तेरे बिना मैं भी जाऊं तो कहां जाऊं यार।
सॉरी सॉरी, आर यू ओके? जी। यहाँ सचिन नाम का कोई आप? एक्चुअली उस एडियट को बचपन से मैं जानता हूँ। वो कैसे? क्लासमेट है कि कॉलेजमेट? He is my son. पापा। अब तो बता सकती हो कि वो कहाँ मिलेगा? आइए अंकल, मैं आपको ले चलती हूँ। अरे ये कोई हस्ती है ना? मामूली हस्ती नहीं, सिंघानिया, दुनिया के सबसे बड़े अमीरों में पांचवा नंबर है इनका। ए, सुना है एक सेकंड में इनकी कमाई 5 करोड़ है, क्या ये सच है? अबे जा, तो फिर बाकी। हेलो सर, आई एम प्रोफेसर रवि काल। नाइस टू मीट यू। आपके बारे में बहुत सुना है मिस्टर सिंघानिया, एक इंडियन बिजनेसमैन आज पूरे अमेरिका पर छाए हुए है, यह बहुत फखर की बात है। अच्छा आप यहाँ कैसे? मेरा बेटा सचिन यहीं पढ़ता है। सचिन आपका बेटा है? Yes. But he's so simple. मुझे यकीन नहीं हो रहा है। Anyway, nice meeting you, Mr. Singh. Thanks a lot. Come. Hey, सचिन। पापा। आप और इसके साथ? यही मुझे यहाँ लेकर आई। ओह, शालिनी, माय वेरी गुड फ्रेंड। अच्छा, आप यहाँ? मैं यहाँ क्यों आया हूँ यही पूछ रहे हो ना? 4 दिनों से मैं लगातार फोन कर रहा हूँ और तुम उठा ही नहीं रहे हो। क्यों जनाब, एनी प्रॉब्लम? ऐसी कोई बात नहीं पापा। आर यू श्योर? श्योर। हे सचिन, चाहे हजारों मील दूर क्यों ना हो, औलाद के अंदर की छोटी सी आहट भी माँ बाप तक पहुंच जाती है बेटे। ऐसा कुछ नहीं है पापा, आपकी प्रॉब्लम क्या है? मैंने फोन नहीं किया, यही ना, अभी करता हूँ, अभी करता हूँ। फोन ऑन है ना? रहने भी दो ना। पहले आप फोन ऑन कीजिए, अभी करूंगा मैं। हाँ ये बताइए कैसे आना हुआ? अगले महीने तुम्हारी माँ की बरसी है, अगर तुम उसमें शामिल हो जाओ तो मुझे अच्छा लगेगा। आऊंगा। इट्स ए स्मॉल फेवर, ओके? बाय। किराए के सूट बूट पहनो तो भी लौंडियां पड़ जाती हैं, और सचिन के बाप का तो 8-10 होटलें हैं, अमेरिका में अपना सैटेलाइट है, ओमान में 1000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है। अब मेरा मामला तो राम नाम सत्य है। सचिन को देख के ऐसे ही लौंडियां फिदा हो जाती हैं। अब वो अरबपति का इकलौता बेटा है, जानने के बाद कुछ कहने की बात है? अब देखना, कॉलेज की तमाम लड़कियां लाइन में खड़ी होकर आई लव यू सचिन, आई लव यू सचिन बोल के लट्टू हो जाएंगी। अपनी शालिनी है ना, बहुत होशियार निकली वो, बिल्कुल सही लौंडे को पकड़ा है उसने। सचिन, क्या क्या हुआ? ए, सचिन, तुम इतने बड़े अरबपति बाप के बेटे हो, हमें बताया तक नहीं? भले मेरा एक ही फ्रेंड हो, वो मेरे वजूद से हो, मैं सो एंड सो का बेटा हूँ, इस वजह से नहीं होना चाहिए। इसके अलावा ये छुपाने वाली बात नहीं है। क्या हुआ, उसे कह दिया? उसे क्या कहूँ, कैसे कहूँ? इन 30 दिनों में जो प्यार नहीं हुआ वो आज अचानक हुआ कहूँ? एक लफ्ज़, एक ही लफ्ज़, वो प्यार जो 30 दिनों में नहीं आया, वो आज मेरे पिताजी से मिलते ही कैसे आया पूछ लिया तो? मैं जीते जी मर जाऊंगी। कल रात वो कितना तड़पा होगा, आज मुझे उसका एहसास है स्मृति, ये सजा मुझे भुगतनी ही होगी। ऐसा तो नहीं लगता कि जैसे तुम कहती हो वैसे सचिन तुम्हें गलत समझेगा? सचिन को सिर्फ एक रात रुलाना चाहा, सिर्फ एक रात के लिए, लेकिन अब जिंदगी भर के लिए उसने मेरी झोली में आंसू भर दिए। मैं सचिन से कुछ नहीं कहूंगी, कभी नहीं।
कैसी हो शालिनी? आर यू ओके? तबीयत ठीक नहीं है क्या? तुमने मौन व्रत रखा है? नहीं, हमेशा की तरह मोती बिखेरने वाली वो हसीन मुस्कान ये इसे देखने के लिए ही इतनी दूर से आया हूं। मैंने अभी सोचा कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा, पता नहीं ये सब एक ख्वाब सा लग रहा है शालिनी। जहां जहां भी मुड़ो सब जगह तुम्हारी तस्वीर। क्यों शालिनी, इतने दिनों में किसी भी एक दिन, एक पल, एक लम्हा तुम्हें मुझसे प्यार नहीं हुआ शालिनी? नहीं हुआ ना? ओए, मैं चलूं? एक बार मुस्कुरा दूंगा। निकल गई होगी ना स्मृति? अभी देर नहीं हुई, अगर तुम अभी निकलोगी तो सचिन को मिल सकोगी। फ्लाइट की टेक ऑफ होने के बाद रोने से कोई फायदा नहीं। मुझे अकेला छोड़कर जा रहा है ना? जाने दो। मेरी बात मानो, सचिन से जाके मिलो। मुझसे नहीं होगा, नहीं होगा मुझसे स्मृति। सचिन के चेहरे को पल भर के लिए भी देख लिया तो मैं टूट जाऊंगी स्मृति। शालिनी, यहां मैं जितना तड़प रही हूं, सचिन भी वहां उतना ही तड़प रहा होगा। वो तो मुस्कुराते हुए आंसू पिया करता है। शालिनी, रोना नहीं, प्लीज। क्या स्मृति? सचिन? हाँ हाँ, बोलो सचिन। शालिनी है? नहीं सचिन, कुछ बोलना है क्या? कुछ नहीं, बस यूं ही शालिनी से बात करने का मन किया। अगर शालिनी वहां आ जाए या तुम्हें फोन करे तो बस एक बार मुझसे बात करने के लिए कहो ना, एक बार उसकी आवाज सुनना चाहता हूँ स्मृति। तुम बोल दोगी ना स्मृति? एक्सक्यूज मी प्लीज। हाँ, थैंक यू। Thank you.
शालिनी, शालिनी, ओए, मैं जा रहा हूं शालिनी। पता नहीं क्यों शालिनी, आज पहली बार शहर छोड़ के जाते वक्त तुम्हारी आवाज सुनने के लिए बेकरार हूं। प्लीज शालिनी, कुछ बात करो शालिनी, आइंदा कभी मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। प्लीज कुछ भी कह दो शालिनी, भले ही तुम कोई मीठी मीठी बातें मत करो, हमेशा डांटती हो ना। शट अप सचिन बोल के फोन काट दो शालिनी, बिना बात किए फोन मत काटना शालिनी, क्योंकि मुझे तुम्हारी आवाज सुननी है शालिनी। Passengers going to New York by Jet Airways flight 9W976 are requested to proceed to the security check. Thank you. Shalini? शालिनी, सचिन प्लीज, सचिन तुम कुछ भी समझ लो सचिन, उस दिन कॉलेज में मेरी आंखों को लेकर मजाक उड़ाई थी तुमने, उसी दिन तुम्हें सीने से लगा के आई लव यू सचिन कहना चाहती थी मैं, लेकिन नहीं कहा, हारने का डर और ईगो। शालिनी, तुम्हें जो भी सोचना है सोच लो सचिन, कोई बात नहीं, उस दिन मेरे घर आके एक दिन के लिए या एक मिनट के लिए भी तुम्हें मुझसे प्यार नहीं हुआ पूछ के अकेले बाइक में लौट गए, तब मैं पीछे से चिल्लाना चाहती थी सचिन कि मुझे 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 छोड़कर मत जाओ सचिन कहकर। शालिनी, समझते हो कि तुम्हारे पिताजी से मिलने के बाद मैं कह रही हूँ तो समझ लो सचिन, थोड़ी देर पहले फोन पर तुमने कहा कि तुम्हारी आवाज सुनना चाहता हूँ शालिनी, फिर मैं लौट कर नहीं आऊंगा, तब यहाँ खड़ी चीखना चाहती थी सचिन कि मुझे छोड़कर मत जाओ सचिन, मत जाओ सचिन। शालिनी, मैं नहीं रह पाऊंगी, मैं हार गई सचिन। शालिनी, मैं हार गई। शालिनी, ये सचिन, I love you. I love you, Sachin. जाओ, मुझे छोड़कर जाने का फैसला कर लिया ना तुमने? जाओ, हंसो मत, हंसो मत। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। जाओ, फ्लाइट का टाइम हो गया। ओहो, तो मैं वाकई जाऊं? जाओ। फोन करेंगी? नहीं करूंगी। लेटर? नहीं लिखूंगी। ईमेल? नहीं भेजूंगी। एटलीस्ट प्यार?